गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून अरे आप लोगों की और भी टॉपिक की लेक्चर चल रहे हैं? यस सर। कितने बजे से स्टार्ट होता है लेक्चर? सुबह 9 बजे से क्लास होती है। 9 बजे से? दिन में कितने आवर्स के आसपास होती है क्लास? सर 6 आवर्स। अच्छा 6 आवर्स। तो आज क्या टॉपिक पे लेक्चर हुआ था सुबह में? सर मैथमेटिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक 2 आवर्स each। तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो चुका है, मैथमेटिकल एटॉमिक भी स्टार्ट हुआ है क्या? एटॉमिक सर। यस सर। यस सर। तो 4 टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। यस सर। तो लास्ट लेक्चर में डी ब्रोगली कांसेप्ट के लिमिटेशंस का कुछ हिंट किया था मैंने, तो वो कांसेप्ट मॉडिफाई होना चाहिए आफ्टर मॉडिफिकेशन। श्रोडिंगर मॉडिफाइड द कांसेप्ट ऑफ डी ब्रोगली and the modified statement any material particle in motion or particle ke liye koi bhi aap charge particle ya neutral particle concept include kar sakte hain whatever its nature तो पहले सिंगल वेव का कंसेप्ट था एंड मॉडिफाइड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एनी मटेरियल पार्टिकल इन मोशन इज इक्विवेलेंट टू ए ग्रुप ऑफ वेव्स रादर देन ए सिंगल वेव। पहले सिंगल वेव का कंसेप्ट था बट अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड स्टेटमेंट देर आर लार्ज नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल इन मोशन। तो जब ग्रुप ऑफ वेव का कंसेप्ट होगा तो जब लार्ज नंबर ऑफ वेव्स कंसीडर करते हैं तो एक सुपर पोजिशन का कंसेप्ट आता है। वेव सुपर इम्पोज होंगी और सुपर पोजिशन से एक डेफिनेट शेप बनेगा, लिमिटेड शेप बनेगा एंड दैट फॉर्म इज नोन एज वेव पैकेट। तो अकॉर्डिंग टू Schrodinger, there is a concept of wave packet. जो डी ब्रोगली का कंसेप्ट सिंगल वेव का कंसेप्ट था, यहां पे वेव पैकेट का कंसेप्ट आएगा। तो वेव पैकेट मीन्स ए सुपर पोजिशन ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स और लार्ज नंबर ऑफ वेव्स large number of waves of slightly different amplitudes slightly different wavelength slightly different wavelength or wavelength pe dependent parameters sometime velocity or factor bhi aap wahan pe include kar sakte hain velocity propagation vector wavelength these are interrelated terms so a superposition of large number of waves of slightly different wavelength or velocities with amplitudes amplitude and phases
So, conclusion that they interfere constructively. They interfere constructively in neighborhood of the particle. And interfere destructively elsewhere. Is called wave packet. तो wave packet एक limited form होगा but large number of wave के concept के corresponding particle के साथ wave packet associate होगा. और वेव पैकेट में टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा, जो एक एग्जांपल वाइज यहां पे एक मैथमेटिकल स्टेप से आप इसको चेक कर सकते हैं. सपोज वी कंसीडर टू डिफरेंट वेव्स ऑफ टू डिफरेंट वेव फॉर्म, सुपर पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव, वाई वन इक्वल्स ए कॉस के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी. प्रोपेगेशन वेक्टर फर्स्ट वेव के लिए k1 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ले रहे हैं. एम्पलीट्यूड सिंपलिसिटी के लिए बोथ वेव के सेम कंसीडर करके चल रहे हैं, बट प्रोपेगेशन वेक्टर जिस पे वेवलेंथ वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म होंगे ये जनरली डिफरेंट लेके चल रहे हैं. अगर एक यहाँ पे सुपर पोजिशन के लिए बोथ का अलजेब्रिक सम आप करते हैं तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को यूज करके ये मैथमेटिक्स थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे वेव पैकेट के लिए, वेव पैकेट में लार्ज नंबर ऑफ वेव्स होंगी, ओनली टू ही वेव नहीं होंगी, बट टू वेव से आप इजीली थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे टू डिफरेंट वेलोसिटी का कंसेप्ट इंक्लूड होता है. जो सिंगल वेव के लिए ओनली सिंगल वेलोसिटी हम लास्ट लेक्चर तक डिफाइन किए हैं, बट वेव पैकेट के लिए कैसे टू वेलोसिटीज का कंसेप्ट इंक्लूड होगा वो इस मैथमेटिकल एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं. ये पार्ट को आप कंपेयर करिए, मैंने टू वेव फॉर्म कंसीडर किया कॉस फॉर्म में. अब कॉस सी प्लस कॉस डी का एक्सप्रेशन अगर आप यूज करेंगे तो कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो के वन प्लस के टू बाई टू एक्स माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू टी. कॉस एक में डिफरेंस आएगा, कॉस सी माइनस डी और कॉस डी माइनस सी, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो के टू माइनस के वन बाई टू एक्स माइनस ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन टी बाई टू. तो आप यहाँ पे कंपेयर करिए, जो इस वेव की वेलोसिटी थी ओमेगा वन बाई के वन, इसके लिए वेलोसिटी थी ओमेगा टू बाई के टू, तो यहाँ पे आपको टू वेव के सुपर पोर्शन से फेज में टू डिफरेंट पार्ट हैं, तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है. तो यहाँ पे आगे इसको कंटिन्यू करें तो K1 प्लस K2 by 2 को एक अनदर नोटेशन K0 यूज करेंगे और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ये टू वेव वेक्टर और टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज का एवरेज है. एक बार डिफरेंट स्लाइड कर दो प्लीज. हाँ जी, पीछे वाला स्लाइड करना एक बार सर. कोई रॉन्ग नोट हो गया या देखना चाह रहे हैं? बस सर वो लास्ट वाली लाइन नोट नहीं हो पाती. अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए. नोट हो गया अब? जी सर. कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट में टर्म्स हैं, एक में वेव वेक्टर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एडिशन था और एक में डिफरेंस है, तो डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे. देखो जो कैंडिडेट अनम्यूट होते हैं वो अपना बैकग्राउंड भी चेक करिए कि बैकग्राउंड नॉइज ना हो. अगर नॉइज होता है तो अपने को
म्यूट कर लिया करें. तो रिजल्टेंट वेव फॉर्म दैट इज ट्वाइस ए कॉस के जीरो एक्स माइनस ओमेगा जीरो टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस डेल्टा के एक्स बाई टू माइनस डेल्टा ओमेगा टी बाई टू. ये रिजल्टेंट वेव बनेगा. इस रिजल्टेंट वेव के कॉरस्पॉन्डिंग आप कंपेयर करें टू डिफरेंट फेजेस हैं. एक फेज कॉस के जीरो एक्स माइनस ओमेगा टी पार्ट के लिए है और एक डेल्टा के एक्स बाई टू माइनस डेल्टा ओमेगा टी बाई टू है. पहले ये पार्ट को के जीरो एक्स माइनस ओमेगा जीरो टी, अगर ये फेज पार्ट को रेफरेंस लें तो ये फेज कॉन्स्टेंट होना चाहिए. जब आप इसको डिफरेंशियल करेंगे तो के जीरो एक्स डी एक्स माइनस के जीरो डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा जीरो मस्ट बी जीरो. देन डी एक्स बाई डी टी दैट इज ओमेगा जीरो बाई के जीरो. अगर आप अनदर आर्ग्यूमेंट पार्ट को लेंगे तो डेल्टा के एक्स बाई टू माइनस डेल्टा ओमेगा टी बाई टू दैट इज कॉन्स्टेंट. अगर फिर से इस टर्म को डिफरेंशियल करेंगे तो डेल्टा के बाई टू डी एक्स बाई डी टी माइनस डेल्टा ओमेगा बाई टू मस्ट बी जीरो. देन डी एक्स बाई डी टी डेल्टा ओमेगा बाई टू डिवाइडेड बाई डेल्टा के बाई टू, ये टू फैक्टर एडजस्ट हो गया. देन डी एक्स बाई डी टी इज डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के. तो ये आपको टू डिफरेंट वेलोसिटीज के एक्सप्रेशंस वेव पैकेट के लिए यहाँ पे फाइंड हो रहे हैं. एक में एवरेज का रेशो है, एक में डिफरेंस का रेशो है. तो जैसे ही वेव पैकेट का कंसेप्ट आएगा, मोर देन वन वेव का कंसेप्ट आएगा, ऑटोमेटिकली टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी वहां पे इंक्लूड हो जाएगा. तो जब आप मोर देन टू और थ्री और फोर वेव्स लेंगे तो तब भी यहाँ पे वेलोसिटी ही टू ही आएंगी, एक एवरेजेस के लिए और एक वहां पे जैसे जैसे डिफरेंट प्रोपेगेशन वेक्टर होंगे शार्पनेस के लिए वहां पे डिफरेंस होता जाएगा. तो फर्स्ट वेलोसिटी, दिस इज द सिमिलर डेफिनेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्लो फेज वेलोसिटी. अगर आप ये एवरेजेस को यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो दिस इज सिमिलर टू रेशो ऑफ ओमेगा वाई के. तो दिस टर्म इज नोन एज फेज वेलोसिटी. एंड दिस वेलोसिटी जो डिफरेंस के लिए ले रहे हैं डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, अगर ये डिफरेंस वेरी स्मॉल है तो समटाइम इसी पार्ट को, अभी तो मैंने डिफरेंस को डेल्टा के लिखा था, अगर स्मॉल डिफरेंस लेते तो इसको डी के और डी ओमेगा कर सकते थे. तो डी ओमेगा बाई डी के डेल्टा टेंड्स टू जीरो पार्ट के लिए, वेरी स्मॉल डिफरेंस के लिए आप ये डी में कन्वर्ट कर सकते हैं. फेज वेलोसिटी के लिए dx अपॉन dt क्यों करेंगे? लास्ट लेक्चर में नहीं किया था? वेलोसिटी जब आप डिफाइन करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की टू वैल्यूज आ रही हैं, एक में ओमेगा 0 / k 0, एक में डेल्टा ओमेगा / डेल्टा k. तो देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेलोसिटीज. तो टू डिफरेंट नोटेशन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. फेज वेलोसिटी जो पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं उसी के इक्विवेलेंट डेफिनेशन को बीपी लिख दिया और अनदर को मैंने वीजी लिख दिया. तो फेज वेलोसिटी का डेफिनेशन तो इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी बताया था और यहाँ पे भी सिमिलर डेफिनेशन बनेगा जिससे आपको एवरेज पार्ट का आइडिया मिल रहा है. बट यहाँ पे जो वीजी पार्ट है, वीजी ये पार्ट को आप कंपेयर करें तो ये डिफरेंस के रेशियो के इक्वल है. इसमें वेव पैकेट का आप लोगों ने शेप बुक में ड्रॉ किया होगा, यहाँ पे भी मैं अभी हिंट करूंगा कि कैसे वेव पैकेट का शेप स्पेसिफाई होता है, जो अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने डिस्कस किया है. दैट पार्ट से ही आप फिर से इसका शेप चेक कर सकते हैं. बट आप लोगों ने ये आई टाइप शेप पढ़ा होगा बुक में, या आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन पढ़े हों तो दैट टाइम पे भी आपने सिमिलर शेप पढ़ा होगा. लाइक दिस शेप आपने वेव पैकेट के लिए पढ़ा होगा, सम बुक्स में लाइक दिस इसके एनवेलप के लिए. इसको थोड़ा और करेक्ट कर देंगे, यही पार्ट को पहले एनवेलप ड्रॉ कर लें, इसके पीक तक आप जा सकते हैं.
लाइक दिस शेप पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये वेव पैकेट का फॉर्म है, बट ये जो शेप है वो अभी आपने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया इस पार्ट से स्पेसिफाई होगा। यहाँ पे एक वेव फॉर्म इस पार्ट से बनेगा और इससे आपको वेव्स बनेंगे। तो ये जो आपका ये पार्ट है, ये आपको मैंने डैश लाइन से शो किया है, अगर इसी को आगे कंटिन्यू करते जाएं, ये थोड़ी देर के लिए ये पार्ट हटा दीजिए, ये पार्ट को, तो ये वेव फॉर्म बनेगा। एक ये एक वेव ड्रॉ हो गया, अब इसी के आगे जब ये कंटिन्यू करते जाएंगे लाइक दिस, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसी को इन्वर्ट कर दें तो ये फॉर्म आपको पता चल जाएगा। बट यहाँ पे चेक करिए, ये एक वेव लार्ज वेव है, इसका वेव लेंथ लार्ज है, और एक यहाँ पे इस वेव ये डिस्टेंस को भी वन वेव लेंथ कंसीडर कर सकते हैं। टू पीक के मिडिल का डिस्टेंस वेव लेंथ आप कंसीडर कर, टू सक्सेसिव पीक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जो आप लोगों ने सिंगल वेव के कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन पढ़ा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा। ठीक है, तो ये लार्ज वेवलेंथ जो बन रहा है वो आप यहाँ पे दोनों पार्ट के लिए कंपेरिजन करें। जब आप इसको पोजिशन के रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे कॉस वेव को, ये एक्स, और यहाँ पे कॉस के जीरो एक्स को ड्रॉ करेंगे, फिर आप कॉस डेल्टा के एक्स बाई टू को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आप ये जो x का पोजिशन है वो k नॉट के इंटरवल में लेंगे, ये एंगल मानेंगे k नॉट x को, तो एंगल ये इंटरवल आप शो कर सकते हैं पाई बाई टूआइस के नॉट, पाई बाई के नॉट, थ्री पाई बाई टू के नॉट एंड टू पाई बाई के नॉट। बट यहाँ पे जो इंटरवल्स होंगे, यहाँ पे इंटरवल बनेंगे, ये आप अगर कंपेयर करें तो डेल्टा के एक्स बाई टू को आप थीटा लेंगे, और थीटा के लिए आप जो इंटरवल लेंगे पाई बाई टू फॉर्म से, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, ये फॉर्म आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्स का यहाँ पे इंटरवल बनेगा पाई बाई डेल्टा के, नेक्स्ट बनेगा टू पाई बाई डेल्टा के, नेक्स्ट थ्री पाई बाई टू डेल्टा के, लाइक दिस इंटरवल आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे चेक करना, जब आपने कॉस फॉर्म को ड्रॉ किया तो कॉस जीरो वन होता है और कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, कॉस पाई माइनस वन, कॉस थ्री पाई बाई टू जीरो एंड कॉस टू पाई फिर से वन हो गया। तो लाइक दिस आप यहाँ पे वेव ड्रॉ करते चले जाएंगे, यार ऐसे ही आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जहां पे भी पाई बाई टू फॉर्म बन रहा होगा, ये आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ये पाई बाई टू बन गया तो ये जीरो बन जाएगा, फिर कॉस पाई पे माइनस वन, थ्री पाई बाई टू पे जीरो और टू पाई पे वन। अब आप यहाँ पे चेक करें, ये जो पोर्शन है ये वन वेव लेंथ है, ये वन वेव लेंथ है, यहाँ पे वन वेव लेंथ है। तो दोनों में किसका वेव लेंथ हायर होगा, किसका वेव लेंथ स्मॉल होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। जब ये वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो ये जो यहाँ पे जो इंटरवल है ये डेल्टा के टर्म्स में, ये इंटरवल आपको यहाँ पे, ये अभी के की वैल्यू है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने यहाँ पे चेक किया तो ये वेव लेंथ आपको यहाँ, ये जो पोर्शन बन रहा है ये पार्ट के वेव लेंथ, ठीक है, ये स्मॉल बनेंगे, ये आपको लार्ज बनेंगे। तो ये जो शेप है ये वेव लेंथ जो बन, आपको मैंने यहाँ पे फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। ये जो वेव लेंथ है ये चेक करिए लार्ज है। अब डेल्टा के और के नॉट दोनों को कंपेयर कर लीजिए, कोई भी टू वैल्यूज ले लीजिए के वन और के टू का, तो दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, एक इसका एवरेज के इक्विवेलेंट है और एक इसके डिफरेंस के इक्विवेलेंट है। जब के नॉट ले रहे हैं तो के नॉट वैल्यू के टू माइनस के टू, के वन प्लस के टू बाई टू बताया है और डेल्टा के बताया है, दीज का डिफरेंस। अब चाहे तो और सिंप्लिसिटी के लिए इसमें जो ये टू फैक्टर था वो भी आप इंक्लूड कर सकते थे, बट मैंने इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे आप चेक करिए, कोई भी वैल्यू को टू वैल्यूज ले लीजिए कंसिडर कर, यहाँ पे के वन के टू का, इसका एवरेज निकालिए और डिफरेंस निकालिए,
डिफरेंस स्मॉल आएगा. जब डिफरेंस स्मॉल होगा तो ये इंटरवल वैल्यू, जो मैंने पहले शायद स्टेटमेंट वर्ड रॉन्ग हो गया, ये इंटरवल वैल्यू लार्ज होगा, ये इंटरवल वैल्यू स्मॉल होगा. तो आप चेक करिए यहाँ पे जो वेलोसिटीज हैं, जब ये एनवेलप को मैंने कंप्लीट कर दिया लाइक दिस, जब इस प्लॉट करेंगे तो ये जो वेव फॉर्म बनेगा तो इसके लिए आएगा, बट इसके इंटरमीडिएट में ड्यू टू दिस पर्टिकुलर कॉस डेल्टा की एक्स बाई टू माइनस ओमेगा टी बाई टू, टी को जीरो कर देंगे तो पोजिशन के पार्ट को चेक करें, इसके भी यहाँ पे नोड्स पहले ही लाई कर जाएंगे. इसके जीरो होने से पहले ये टर्म, इसके जीरो होने से पहले ये टर्म जीरो बन जाएगा. जब जीरो बनेगा तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो आपके वेव्स आ रहे हैं, ये के नॉट एक्स की वजह से हैं. और जो ये जो ये मैंने आपको लॉन्ग वेवलेंथ ड्रॉ किया है वो कॉस डेल्टा की एक्स वाई टू की वजह से है. तो यहाँ पे टू वेलोसिटीज होंगी, एक तो वेलोसिटी से ये एनवेलप मूव करेगा और एक से ये वेव फॉर्म मूव करेंगे. तो ये जो वेव फॉर्म, ये जो पार्ट है, इनकी वेलोसिटी वीपी है और इस ग्रुप की, ये ओवरऑल ग्रुप भी आगे प्रोपेगेट करेगा, ये वीजी है. तो ये आपको शेप और ये वेलोसिटीज का जो कंसेप्ट है वो इसी सुपरपोजिशन के रिजल्टेंट से जो आपको वेव फॉर्म बना है उस पर डिपेंड करता है. तो इजीली आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको ये वेव फॉर्म बनेगा. और जो टोटल ये शेप बनता है, दीज टू वेव फॉर्म के प्रोडक्ट के बेस्ड है. तो जब आप ये प्लॉट कर लेंगे तो इसके इनसाइड में ही जीरो नॉन जीरो बनते जाएंगे. जब ये रिजल्टेंट बनाएंगे तो रिजल्टेंट में आपको, एक तो मैंने इस वेव को प्लॉट ड्रॉ कर दिया पहले, ये वेव ड्रॉ हो गया. अब इस ये वाली वेव ड्रॉ हो गया, ये वाली. अब इसको जब ड्रॉ करेंगे इसके इनसाइड में, तो जहां पे दोनों नॉन जीरो है वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा. अब फिर ये बीच में इसके जीरो बनते जाएंगे लाइक दिस. आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये शेप, जैसे जैसे और इसमें शार्पनेस और वेव्स इंक्लूड करते जाएंगे, इसका शार्पनेस इंक्रीज होता जाएगा. तो ये वेव पैकेट का फॉर्म आपको इसके मल्टीपल, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म से स्पेसिफाई होगा. तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो इनसाइड वाले जो जीरोज पड़ रहे हैं यहाँ पे, वो कॉस के नॉट एक्स की वजह से हैं. और ये जो एनवेलप मैंने जहाँ पे वीजी रिप्रेजेंट किया है, ये डैश लाइन से शो किया है, वो ये डेल्टा के एक्स बाई टू की वजह से हैं. तो आपको मैंने टू वेव के सुपरपोजिशन से आपको ये शेप का आइडिया कर दिया, किसका वेवलेंथ लार्ज है, किसका वेवलेंथ लेस है, उसका आपको हिंट हो गया. तो आपको यहाँ पे कंफर्म है कि ये जो डैश लाइन है वो डेल्टा के वाले पार्ट के लिए था. वो उसके डेफिनेशन में चेक करिए, वेलोसिटी पार्ट वीजी है, डेल्टा ओमेगा वाई डेल्टा के और डी ओमेगा वाई टी के. बट जो इस एवरेज से रिलेटेड था वो टर्म वीपी है. तो वेव एवरेज के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपको इनसाइड वाली वेव्स हैं ये. तो वेव पैकेट में टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी होगा. फेज वेलोसिटी तो पहले सिमिलर आपको डिफाइन किया हुआ है, बट जो ग्रुप वेलोसिटी आपको न्यू फॉर्म बन रहा है उसका डेफिनेशन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं. द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव पैकेट और ये जो आउटर एनवेलप मैंने ड्रॉ किया है डैश लाइन से, वो एनवेलप वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं. द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव पैकेट और एनवेलप और आई टाइप सेफ वर्ड भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी. जिससे ओवरऑल ग्रुप मूव करेगा वो वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी है, और जिससे इंडिविजुअल रिपल्स मूव करेंगी और वेव्स मूव करेंगी वो वेलोसिटी फेज वेलोसिटी है. और इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन जो भी आपने फाइंड किया, दैट डिफाइंड एज डी ओमेगा बाई डी के. और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर आप एच क्रॉस मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो यही रिजल्ट आपको एनर्जी और मोमेंटम में डिफाइंड हो जाएगा, डी ई बाई डी पी. तो ग्रुप वेलोसिटी आपको न्यू कंसेप्ट यहाँ पे, जैसे ही वेव पैकेट का कंसेप्ट इंक्लूड किया, ग्रुप वेलोसिटी आपको यहाँ पे इंक्लूड हो गया. फेज वेलोसिटी का डेफिनेशन सिमिलर रहेगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ या एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ फेजेस ऑफ इंडिविजुअल वेव इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी. तो उस डेफिनेशन सिमिलर है जो सिंगल वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग था. तो इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहेंगे और जिस वेलोसिटी से ओवरऑल ग्रुप मूव करेगा वो ग्रुप वेलोसिटी आएगा. अब डीज में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं.
रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी. तो बोथ में रिलेशन फाइंड करने के लिए मैं यहां पे ग्रुप वेलोसिटी का डेफिनेशन स्टार्ट करूंगा. दैट डिफाइंड एज डी बाई डी के ऑफ ओमेगा. बट फेज वेलोसिटी भी आपको पता है, फेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज ओमेगा बाई के. तो वी कैन राइट ओमेगा एज के वी पी. तो रिलेशन फाइंड करने के लिए आप ओमेगा को एलिमिनेट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ फेज वेलोसिटी. तो VZ D by DK of KVP. अब यहां पे बाई पार्ट्स डिफरेंशिएशन करेंगे. VP कांस्टेंट, K का डिफरेंशिएशन K के रेस्पेक्ट में करेंगे, 1 हो गया. प्लस अब K कांस्टेंट, फेज वेलोसिटी में भी फंक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेक्टर, देन दिस इज द डेरिवेटिव DVP by DK. तो एक रिलेशन तो आपको फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में प्रोपेगेशन वेक्टर के टर्म्स में मिल गया. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फेज वेलोसिटी के का फंक्शन हो सकता है, आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं. बट इसी पार्ट में कोई अनदर वेरिएबल हो सकता है, आप सेम रिलेशन को अगर आप एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें और एच क्रॉस से डिवाइड कर दें. तो ये फॉर्म बनेगा और एच क्रॉस के को आप मोमेंटम ले सकते हैं. तो एक न्यू रिलेशन आपको मिल गया ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में. VG इक्वल्स VP प्लस P DVP बाई DP. एक और रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं, अगर के को वेवलेंथ से रिलेट कर दें तो कोई भी डिपेंडेंसी वहां पे इंक्लूड हो सकता है. इसलिए मैं पहले ही हिंट कर रहा हूं कि आप पहले डिफरेंट पैरामीटर्स में, डिफरेंट वेरिएबल्स में आप ये रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं. के कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई लैम्डा, देन डी के कैन बी रिटन एज माइनस 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, देन डी बाई डी के कैन बी रिटन एज माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 पाई डी बाई डी लैम्डा. आपको जहां पे डी बाई डी के है इस एक्सप्रेशन में आप ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए. VPSH के की वैल्यू प्लेस करेंगे 2 पाई बाई लैम्डा और डी बाई डी के को रिप्लेस करेंगे माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 पाई डी बाई डी लैम्डा ऑफ VP. देन न्यू रिलेशन VZ इक्वल्स VP माइनस ये लैम्डा का 1 पावर प्रेजेंट रहेगा, 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, डी वी पी बाई डी लैम्डा. तो आपको 3 रिलेशंस फॉर VZ एंड VP फाइंड हो गए इन टर्म्स ऑफ प्रोपेगेशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कोई भी रिलेशन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ये रिलेशन VZ VP रिलेशन को रेफरेंस लेंगे तो आप VG VP को कंपेयर कर सकते हैं. जनरली VG मे बी इक्वल्स टू VP और VZ मे बी लेस देन VP और VZ मे बी ग्रेटर देन VP. ये रेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहां पे चेक कर सकते हैं. अगर ये रेट जीरो हो जाए तो VG VP के इक्वल बनेगा, अगर ये रेट पॉजिटिव हो जाए तो VP से सम अमाउंट डिक्रीज करें लेस बन जाएगा, अगर ये रेट नेगेटिव हो जाए तो ये अमाउंट प्लस हो जाएगा, वीपी से सम अमाउंट ऐड करेंगे तो वीजी ग्रेटर बन जाएगा. तो डिपेंडिंग ऑन द डेरिवेटिव डीवीपी बाय डी लैम्डा ये वीजी वीपी की वैल्यूज आप कंपेयर कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द मीडियम देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम, डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम. फर्स्ट नोट करेंगे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम. सर एक मिनट के लिए लास्ट पेज कर दो सर. हाँ जी.
सर हाँ जी सर, वो जो पॉइंटर है ना थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, वो दिखाई नहीं देता है सर मोबाइल में। भाई मुझसे बड़ा नहीं है। पॉइंट आउट करते सर, जो पॉइंटर है ना, हाँ जी, उसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए थोड़ा, वो दिखाई नहीं देता है। मुझसे बड़ा करना आधा नहीं है, कैसे करते हैं आप बता दीजिए। मेरे को ही पता नहीं सर। तो मैं भी अगर बड़ा कर सकता तो पहले ही बड़ा कर दिया होता। वो शायद इसमें जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ डिजिटल पैड का, उसी की प्रॉपर्टी है कि वो कितना बड़ा साइज लेता है। सर आप जब कोई चीज इंडिकेट करते हो ना सर, वो वहां पे ही खो जाता है। तो मैं आगे उसको इंडिकेट करने के लिए या तो डिफरेंट कलर यूज करूँ, फिर उसमें ये जो नोट कर रहा हूँ मैं उसमें ओवरराइड से लगता है वो। फिर हाँ सर, कलर चेंज कर दीजिए सर। अगर मैं कलर चेंज करूंगा तो पॉइंटर का कलर साथ चेंज नहीं होता है। देख एक बार बताना जरा, कलर चेंज होता है क्या? अब चेंज हुआ क्या? चेंज हो गया। यस सर, मैं चेंज कर दिया करूंगा अगर। ठीक है सर, आप वो लेजर पॉइंटर कर देना सर। सर लेजर पॉइंटर यूज कर लो। यस सर, वो यूज कर लो, जैसे इंडिकेट करना हो तो लेजर पॉइंटर यूज कर लो। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम डिस्कस करते हैं। देखो पहले यहाँ पे जो मीडियम है, मीडियम की जो, आप लोगों की तरफ से किसी की तरफ से नॉइज हो रहा है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, देखो मीडियम की जो प्रॉपर्टी है कि वो डिस्पर्जन करेगा या नहीं करेगा, जिस रिलेशन से डिफाइन होता है दैट रिलेशन को बोलते हैं डिस्पर्जन रिलेशन। और डिस्पर्जन आप लोगों ने EMT में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में और ऑप्टिक्स में डिस्पर्जन पढ़ा होगा, डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन के लिए एक फेमस एग्जाम्पल या अपने साथ प्रिज्म पढ़ा हो डिस्पर्जन के लिए, कि अगर प्रिज्म पे कोई लाइट व्हाइट रे आप इंसिडेंट करते हैं तो उसको प्रिज्म को पास करने के बाद वो 7 कलर्स में सेपरेट हो जाता है, डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाता है। ये आप सभी जो सभी लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो जो मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम और डिस्पर्सिव मीडियम के लिए आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो मीडियम डिस्पर्जन करेगा दैट हैज द एबिलिटी टू डिस्पर्ज इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम, और जो डिस्पर्जन नहीं करेगा दैट मीडियम इज नोन एज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ये डेफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, अभी मैं नॉट भी कराऊंगा, ठीक है। बट इस डिस्पर्जन का रीजन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि डिस्पर्जन अराइज होने का रीजन क्या है। डिस्पर्जन, सपोज मैंने यहाँ पे कोई वाइट रे इंसिडेंट किया, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, डिफरेंट एंगल पे यहाँ पे वे रिफ्रैक्ट होंगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जो प्रिज्म का एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। अब वो सब पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अगर इस मीडियम के इनसाइड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है सपोज किसी वेव को, अब अगर ट्रेवल करने के बाद जब यहां से पास होंगी डिफरेंट वेव, ठीक है, अब अगर वो सेम टाइम पे पास हो जाएं या सेम पोजीशन से पास हो, सेम डायरेक्शन में चले जाएं, तो फिर से ग्रुप आपने इंसिडेंट किया और ग्रुप ही आपको वहां पे फिर पास हो जाएगा चाहे जिस डायरेक्शन में जाए। तो ये जब ग्रुप अभी भी प्रेजेंट है इंसिडेंट करने के टाइम पे और पास होने के टाइम पे भी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ना तो वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेपरेट नहीं हुई वेव्स, रिफ्रैक्ट हो भी रही हैं तो सेम एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही हैं, डिफरेंट वेव के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्शन एंगल नहीं है। तो जब सेम पोजीशन पे वो पास होंगी या सेम टाइम पे वो पास होंगी तो मीडियम ग्रुप को उसके कंपोनेंट में डिस्पर्स नहीं करेगा, और जब डिस्पर्स नहीं करेगा तो आपने व्हाइट रे इंसिडेंट किया था और व्हाइट रे यहां से पास हो गया, देन मीडियम विल बी नॉन डिस्पर्सिव, देयर इज नो डिस्पर्जन, और इस मीडियम को बोलेंगे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। बट प्रिज्म में क्या होता है कि सम रे डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाती है पास होने के बाद। तो ये 7 इंडिविजुअल कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएंगे, जब 7 इंडिविजुअल कंपोनेंट में ब्रेक होंगी तो व्हाइट रे के लिए आप, दिस इज द व्हाइट रे इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, तो आपको डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डायरेक्शन में शो होते हैं। बट ऐसा कब होगा, जब या तो यहां से रिफ्रैक्ट होने वाला जो वेव है वो डिफरेंट एंगल पर रिफ्रैक्ट हो, जो आप प्रिज्म के लिए पढ़ते हैं कि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड यहाँ पे डिफ्लेक्शन आता है। अब इसी में आप ये भी कह सकते थे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पास हो जाए तब भी वो रिफ्रैक्ट तब भी वो डिस्पर्स हो जाएगा। कभी आपको सेवन कलर से ग्रीन रे शो होगा, ग्रीन कलर शो होगा, कभी येलो कलर होगा, कभी ब्लू कलर, कभी रेड कलर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो डिस्पर्जन चाहे एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा हो, चाहे टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा हो, जो भी मीडियम डिस्पर्जन करेगा वो डिस्पर्सिव मीडियम, और जो डिस्पर्जन नहीं करेगा वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेक करें, अगर आपको किसी मीडियम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको वेव की वेलोसिटी पता है, तो टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो टाइम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। अगर वेव की वेलोसिटी, डिस्टेंस तो सेम है, अगर वेव की ऑल वेव्स की वेलोसिटी सेम हो जाए तो सेम टाइम पे ही पास हो जाएंगी। सेवन कलर्स आप मिक्स करके सेंड कर रहे थे, इंसिडेंट कर रहे थे, सेवन कलर्स ही फिर पास हो जाएंगे, सेम टाइम पे पास हो जाएंगे, तो फिर से आपको वाइट रे ही डिस्कस हो वहां पे पास होगा, वाइट रे सेपरेट नहीं हुआ। तो ये डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम को फेज वेलोसिटी के टर्म्स में भी डिफाइन करता है। डिस्पर्जन होने का रीजन क्या है? फेज वेलोसिटी है। अगर ऑल डिफरेंट वेव्स जो आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे, जो वेव को वेवलेंथ से या कलर से आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर ऑल वेव की वेलोसिटी सेम होगी तो मीडियम नॉन डिस्पर्सिव आएगा। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, द मीडियम इन विच ऑल वेव्स have same phase velocity or the medium in which phase velocity or wave velocity, phase velocity or wave velocity is independent of वेव को आप वेवलेंथ से स्पेसिफाई कर रहे थे, तो ऑल वेव के आप कैटेगराइजेशन के लिए वेवलेंथ डिफरेंट ले रहे थे, बट ऑल वेव का फेज वेलोसिटी सेम है, ऑल वेव हैव सेम फेज वेलोसिटी, सेम वर्ड छूट गया, द मीडियम इन विच ऑल वेव्स हैव सेम फेज वेलोसिटी और द मीडियम इन विच फेज वेलोसिटी सेम कब होगा? जब डिफरेंट वेव के लिए वेलोसिटी, यहाँ पे डिफरेंट वेव लैम्डा डिफरेंट है और वेलोसिटी सेम आना है, तो सेम एक ही कंडीशन में आएगा जब फेज वेलोसिटी वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट हो जाए, which in which phase velocity is independent of wavelength. Is called non-dispersive medium. Non-dispersive medium. तो non-dispersive medium के लिए आपको ये confirm हो गया कि rate of change of phase velocity with respect to lambda is zero banega. Rate of change of phase velocity k ke respect mein bhi, propagation vector ke respect mein bhi, k aur lambda interrelated hain, ye zero aayega. Medium ka refractive index, jo aap main bhi refraction se relate kar raha tha, jo optics mein aap log padhte hain, ye bhi wavelength se independent hoga. इसलिए ऑल वेव्स या तो रिफ्रैक्ट नहीं करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे भी तो सेम एंगल पे जाएंगे। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम के लिए बता दिया। जब आप इस दीज रिलेशंस पे जाएंगे, दीज थ्री रिलेशंस में, ये मोमेंटम के रेस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं, इंटरलेटेड टर्म्स हैं, वेव के लिए मोमेंटम एच क्रॉस के पड़ते हैं, तो यहाँ से चेक करिए, जब ये रेट ऑल रेट्स जीरो हो गए तो वी जी और वी पी सेम आ जाएगा। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए फेज और ग्रुप वेलोसिटीज सेम आएंगे। राहुल कुछ पूछना है क्या? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए ग्रुप और फेज वेलोसिटी इक्वल आएंगी, जिससे एनवेलप मूव करेगा उसी से वेव्स, इंडिविजुअल वेव्स मूव करेंगी, तो आपको
वेव पैकेट में शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट होगा डिस्पर्सिव मीडियम. नॉन डिस्पर्सिव का डेफिनेशन पता चल गया, यहां पे इंडिपेंडेंट था, यहां पे डिपेंड करेगा. द मीडियम इन विच डिफरेंट वेव्स हैव डिफरेंट फेज वेलोसिटी. Or the medium in which the medium in which phase velocity depends on wavelength or propagation vector or momentum. लाइक दिस वर्ड आप यूज कर सकते हैं. इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम. तो यहां पे डिस्पर्जन होगा. डिस्पर्सिव मीडियम में डिस्पर्जन होता है, नॉन डिस्पर्सिव में नहीं होता है. और डिस्पर्जन का अभी आपको हिंट कर दिया था, जैसे ही आप ये रेट्स लेंगे डीवीपी बाई डी लैम्डा, ये नॉन जीरो बनेंगे. डीवीपी बाई डी के नॉन जीरो बनेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी ये नॉन जीरो बनेंगे. तो डिस्पर्सिव मीडियम के लिए वीजी वीपी के इक्वल नहीं आएगा, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा. तो डिस्पर्सिव मीडियम को फिर से टू क्लास में आप क्लासिफाई कर सकते हैं. तो नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, एक एनामलस डिस्पर्सिव मीडियम. यहाँ पे आपको जो डेरिवेटिव्स हैं फेज वेलोसिटी के, जो रेट हैं, उनसे आप इनको कैटेगराइज करेंगे, नॉर्मल और एनामलस डिस्पर्सिव मीडियम को. हो सकता है कि आप लोग इसको फिर मेमोराइज करें, तो इसको मैं रिलेट करने के लिए थोड़ा हिंट करता हूँ. आप लोग जब 12th लेवल पे कोई सिलेबस पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं. बट जैसे जैसे हायर लेवल पे जाएंगे, यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे, फिर आप एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ते जाते हैं. तो अप टू 12th लेवल और 10th लेवल आप लोगों ने वेव की वेलोसिटी का एक रिलेशन पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ द वेव इक्वल्स फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा. सभी लोग फैमिलियर हैं इस एक्सप्रेशन से. अब यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें डीवीपी डीवीवाई डी लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी बनेगा. तो ये नॉर्मल बिहेवियर है किसी मीडियम का. तो आपको ये कंफर्म रहेगा आगे जो भी मैंने हिंट किया रिलेट करने के लिए, कि आफ्टर सम टाइम आप ये डाउट क्रिएट हो आपको कि नॉर्मल के लिए पॉजिटिव था या एनोमलस के लिए पॉजिटिव था. तो इस एक्सप्रेशन को रेफरेंस लें और ये नॉर्मल बिहेवियर के लिए है. तो इजीली आपको यहाँ पे कन्फर्म रहेगा डी वी पी बाई डी लैम्डा नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम के लिए पॉजिटिव आता है. इससे डिफरेंट बिहेवियर को आप अनोमलस बिहेवियर ले रहे हैं. तो डी वी पी बाई डी लैम्डा इसके लिए अनोमलस के लिए नेगेटिव होगा. अब आप लोगों ने एक रिलेशन और पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप जब डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम.
या velocity of the wave in vacuum और velocity of the wave in medium, ये आप लोगों ने definition पढ़ा होगा refractive index के लिए. C constant है, अगर wave का velocity wavelength के respect में, ये positive rate का meaning क्या है, ये dBp by d lambda जो आपको यहाँ पे मैंने positive लिखा है, ये term positive लिखा हुआ है, ये term positive होने का meaning क्या है कि अगर lambda को increase करेंगे तो phase velocity increase करेगा. अब यहां से चेक करें, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो ठीक है, अब यहां पे आप एनोमलस के लिए चेक कर सकते हैं, अगर वेवलेंथ को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो फेज वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, नेगेटिव रेट का मतलब यहां पे आपको कंफर्म हो गया. बट जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा. तो ये रेट्स आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी नोट कर सकते हैं, डी एन बाई डी लैम्डा जो अपोजिट बिहेवियर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, ये नेगेटिव जाएगा और डी एन बाई डी लैम्डा एनोमलस के लिए पॉजिटिव आएगा. तो ये रेट्स को रेफरेंस लेके अब नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम के लिए अगर आप ये रेट को कंपेयर करें डीवीपी बाई डी लैम्डा, इस रिलेशन में प्लेस कर दीजिए डीवीपी बाई डी लैम्डा, यहां पे चेक करें डीवीपी बाई डी लैम्डा, ये टर्म ये पॉजिटिव है नॉर्मल के लिए, तो वीपी से कुछ अमाउंट डिक्रीज कर रहे हैं, जब डिक्रीज करेंगे तो वीपी वैल्यू से लेस बनेगा वीजी, अगर ये रेट नेगेटिव हो जाए तो वीपी में कुछ अमाउंट ऐड हो जाएगा. तो यही पार्ट आपको नॉर्मल और एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम के लिए है जो आप वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो वीजी लेस देन वीपी बनेगा नॉर्मल में, और एनोमलस में वीजी ग्रेटर देन वीपी बनेगा. तो डिस्पर्सिव मीडियम के लिए आपको डिस्पर्जन रिलेशन होगा, जिस रिलेशन से आपको ये प्रॉपर्टीज मीडियम की डिस्पर्सिव प्रॉपर्टीज डिफाइंड होंगी, दैट रिलेशन इज नोन एज डिस्पर्जन रिलेशन. डिस्पर्जन रिलेशन अब चाहे वो आपको नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए बने, चाहे वो डिस्पर्सिव मीडियम के लिए बने. तो एक यहाँ पे डिस्पर्जन रिलेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के. ओमेगा और के की रिलेशन से ही तो आपको डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी डिफाइन हो रही है. ये डिस्पर्जन रिलेशन आप ईएमटी में भी पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपेगेशन वेक्टर, वेव वेक्टर, और रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम. मीडियम की डिस्पर्सिव प्रॉपर्टीज एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन से या ओमेगा और के रिलेशन से स्पेसिफाई हो रही है. तो दीज रिलेशन को आप डिस्पर्जन रिलेशन वर्ड यूज करेंगे. अगर आपको कोई जनरलाइज्ड डिस्पर्जन रिलेशन दिया हुआ है, ये कोई यहाँ पे आपको डिस्पर्जन रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू ए के पावर एस, वेयर ए इज कांस्टेंट, ए एंड एस, एस जो पावर है वो कांस्टेंट है. तो ओमेगा और के रिलेशन से आपको मीडियम की प्रॉपर्टी को चेक करना है. अब यहां पे चेक करें, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को आपको कंपेयर करना है. अगर यहां से आप फेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो ओमेगा बाई के करें. अभी मैंने ओमेगा और के का रिलेशन लिया है, कहीं आपको एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन होगा, तो ओमेगा को के से डिवाइड किया तो ए के पावर एस माइनस वन हो गया. अब आपको ग्रुप वेलोसिटी डिफाइन करना है, ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करना है डी ओमेगा बाई डी के. यहां से कंपेयर करिए, डिफरेंशियल करेंगे तो एस ए के पावर एस माइनस वन. तो यहां से आपको वीजी इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ वीपी पता चल गया, दैट इज एस वीपी. अगर S वैल्यू को आप 1 ले रहे हैं, तो जैसे ही आपने S को 1 लिया तो VG equals VP हो गया.
तो ये मीडियम क्या बनेगा यहाँ पे? नॉन डिस्पर्सिव. यहाँ पे मीडियम नॉन डिस्पर्सिव होगा. तो ये भी पूछ सकता है कि अमोंग द फॉलोइंग विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम. ओमेगा और के का रिलेशन दिया और पूछा जाए कौन सा करेक्ट रिलेशन है. अगर एस वैल्यू लेस देन वन है, अगर एस वैल्यू लेस देन वन है इट मीन्स हाफ हो सकता है. तो यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, जब लेस देन वन क्वांटिटी से वीपी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वीजी वैल्यू लेस देन वीपी आएगा. अगर एस वैल्यू फ्रैक्शन में डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है, हाफ है, वन बाई फोर है, तो यहाँ पे आपको मीडियम पता चल गया, मीडियम नॉर्मल डिस्पर्सिव होगा. अगर एस वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो वीजी ग्रेटर देन वीपी बनेगा. तो यहां पे मीडियम एनमलस डिस्पर्सिव बनेगा. एनमलस डिस्पर्सिव. तो सम टाइम आपको ओमेगा और के का रिलेशन दिया होगा, मीडियम पूछ सकता है कि मीडियम का नेचर क्या है. सम टाइम आपको मीडियम का नेचर गिवन हो सकता है, ओमेगा और के का रिलेशन दिया हो सकता है. यहां पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही आपने एस को वन किया इस नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम के लिए, एस को वन किया तो ओमेगा वैल्यू ए के बन गया, और वीपी को आप चेक कर सकते हैं ओमेगा वाई के से, ये कांस्टेंट है. आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ए वैल्यू आया, कांस्टेंट आ गया. और जब कांस्टेंट होगा तो ऑल वेव्स के लिए वेलोसिटी सेम आएगा, लैम्डा के से इंडिपेंडेंट है, जो आपको पहले डेफिनेशन मैंने बता दिया. बट इन दीज टू केसेस के लिए जो ओमेगा बाई के करेंगे तो के का फंक्शन बनेगा, के को 2 पाई बाई लैम्डा प्लेस करेंगे तो लैम्डा का फंक्शन आ जाएगा. तो एक जनरल सम पार्ट आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल वाइज हिंट कर दिया कि कैसे डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम को आप कंपेयर कर सकते हैं. जो आपको यहाँ पे डेफिनेशंस बताई हैं, ये डेफिनेशंस आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर ओमेगा और के रिलेशन से कन्फर्म हो रही हैं कि नॉन डिस्पर्सिव के लिए कैसे इंडिपेंडेंट है और डिस्पर्सिव के लिए कैसे डिपेंड करेगा, रेट क्या आएगा वहाँ पे. अगर वैल्यू ये के पावर 3/2 दिया होता तो ये आप एस पावर को एस वैल्यू को कंपेयर करते कंफर्म हो जाता कि एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम का रिलेशन है. अगर एस वैल्यू हाफ है तो वन से लेस है तो आपको कंफर्म हो जाता कि नॉर्मल डिस्पर्सिव है. तो लाइक दिस आप कंपेरिजन कर सकते हैं. अब यहाँ पे टू वेलोसिटीज हैं, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी. तो एक एग्जांपल से चेक करेंगे कि फेज ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी मैच करता है कि नहीं करता है. फाइंड द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट एसोसिएटेड विद a non-relativistic free particle of mass of rest mass m and having velocity v. तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी का नोटेशन वी दिया है, बट पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल है तो जिसको आप हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम लिख सकते थे. और जब यहां से ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो डीई बाई डी पी बनेगा या डी ओमेगा बाई डी के. जब इसको डिफरेंशियल करेंगे तो टू फैक्टर एडजस्ट हो गया तो पी बाई एम बना, और पी बाई एम को पार्टिकल की वेलोसिटी आप पढ़ते हैं. तो यहां से कंफर्म हुआ कि ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी से मैच करता है.
एक फिर से एग्जांपल ले सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी को कंफर्म करने के लिए. फाइंड द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल हैविंग एनर्जी इक्वल्स पी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम प्लस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ पोजिशन. फिर से यहां पर चेक करेंगे तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए आपको एनर्जी एक्सप्रेशन दिया है डी बाई डी पी फाइंड करेंगे. जब डी बाई डी पी करेंगे तो ये पी बाई एम बनेगा. इसका डिफरेंशियल मोमेंटम के रेस्पेक्ट में जीरो हो गया तो ये फिर से पार्टिकल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो आपके पास टू वेलोसिटीज थी, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी. अब टू वेलोसिटी में आपको यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है कि ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी है. We can interpret group velocity as particle velocity. आगे जहां कहीं भी आपको apply करना होगा group velocity को particle की velocity आप assume कर सकते हैं. Second slide करना पीछे. Okay. तो VG पार्टिकल की वेलोसिटी से मैच करेगा बट VP पार्टिकल की वेलोसिटी से मैच नहीं करेगा. और जो फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है, फेज वेलोसिटी का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. फेज वेलोसिटी हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. दिस इज यूज ओनली फॉर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन. क्योंकि अगर आप पार्टिकल वेलोसिटी से इसको रिलेट करते भी हैं तो जो पहले लिमिटेशंस आ रहे थे वो ऐसे बने रहेंगे बट ग्रुप वेलोसिटी में कोई लिमिटेशन नहीं होगी. ग्रुप वेलोसिटी से वो पार्टिकल की वेलोसिटी मैच करती है और जब मैच करेगी तो पार्टिकल वेव एस्पेक्ट से और पार्टिकल एस्पेक्ट से दोनों से सेम पोजिशन के नियरेस्ट में ही कहीं होगा. सम एरर जरूर हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में वेव नेचर में बट मोर डिफरेंस नहीं आएगा. तो आगे जब कभी प्रॉब्लम में या कहीं आर्टिकल में आप ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करें दैट मींस पार्टिकल वेलोसिटी. बट फेज वेलोसिटी को फिर से पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं अज्यूम करेंगे नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा. आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट मिला होगा, मिला है नहीं? हार्ड कॉपी नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला है. क्वांटम मैकेनिक्स का असाइनमेंट प्रीवियस ईयर तो मिला है ना? हां जी हार्ड कॉपी तो मिला है सर. हां हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूं. हार्ड कॉपी मिला है सर, वो तो है हमारे पास. हां आप जब लेक्चर अटेंड करया करें तो साथ में रखा करें. यस सर, साइड में ही रखिए. हां जी ये अनुरानी या उमंग वरवल इन्हीं के पास से कहीं बैकग्राउंड साउंड आ रहा है. देखो जब आप क्लास अटेंड करा करिए या तो आपके अगर कहीं पे घर में बाकी लोग भी आपके साथ बैठे हुए हैं तो अपने को म्यूट रखा करिए. आप लोग वहां पे डिस्कस करने लगते हैं पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है. सर एक सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड कर दो. फाइंड द फेज वेलोसिटी
फाइंड द फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, एंड रिलेशन बिटवीन बोथ. For the dispersion relation, omega equals AK or A 2 pi by lambda, where A is constant. ये स्क्वायर रूट में है. सेकेंड रिलेशन कोई अनदर कॉन्स्टेंट वेयर बी इज कॉन्स्टेंट. बहुत जल्दी से फर्स्ट पार्ट को ट्राई करिए, चाहे के से स्टार्ट कर के टर्म्स में रिलेशन यूज कर लें, चाहे लैम्डा के रेस्पेक्ट में आप यूज कर लें. फाइंड हो गया? यस सर. जब आपने फेज वेलोसिटी फाइंड किया होगा तो ओमेगा बाई के ए स्क्वायर रूट ए बाई के, ठीक है? और जब ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी के, तो स्क्वायर रूट ए कांस्टेंट है और के पावर हाफ दैट इज 1 by 2 और k power minus half, और ये टर्म को आप vp लिख सकते हैं. तो vg और vp कैलकुलेट हो गए और बोथ का रिलेशन चेक किया तो vp by 2. तो यहाँ पे मीडियम पता चल गया आपको इस फॉर्म से. जैसे आपको नहीं कंफर्म हो रहा हो तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि vg less than vp नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में होता है. सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड पार्ट के लिए सेकेंड डिस्पर्जन रिलेशन के लिए जब आप फाइंड करेंगे रिजल्ट तो आपको जो यहाँ पे वीपी बनेगा वो स्क्वायर रूट बी, जब के से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट के इनसाइड में वो के स्क्वायर जाएगा, वो कैंसिल आउट होकर के के बन जाएगा. इसी को आप वेवलेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते थे 2 पाई बाई लैम्डा. वीजी फाइंड करेंगे तो यहां पे के पावर 3 बाई 2 है, और VG VP का रिलेशन आपको कंफर्म हो गया, ये VP से ग्रेटर है. आप अपने असाइनमेंट में मैं पेज नंबर और प्रॉब्लम नंबर बोलता हूं, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड करेंगे. देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास हमेशा होना चाहिए, ठीक है? इसी यही हमारे पास ऐसा पार्ट है जिससे हम अपने जो पढ़ा है उसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है, एग्जाम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं.
उनके आंसर को फाइंड करने में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, आंसर की करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। खुद को भी टेस्ट कर सकते हैं और टीचर को भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो पेज नंबर 9 पे प्रॉब्लम नंबर 1, देखो पहले मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ आपको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो असाइनमेंट है उसमें 2 लेवल्स हैं। लेवल 1 वाला पेज जहां कंटेंट के नेक्स्ट वाला पेज देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है सॉल्व योर सेल्फ। सभी पढ़ रहे हैं सर? हमें मिला नहीं है अभी तक हार्ड कॉपी। पक्की बोल रहे हैं मिला है? नहीं सर, सबके पास नहीं, सब मिल गया। हाँ जी, सभी को नहीं मिला है सर, पर कुछ लोगों का अभी मतलब कुरियर आया नहीं है। 90% मिला है सर। यस सर, मिला है। मिला है सर? मिला नहीं है सर। जैसे मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ या लिख दूँ स्टेटमेंट, फिर क्योंकि सॉफ्ट कॉपी मेरे पास नहीं है सर। वो ऑफिस में अगर बोलेंगे तो वो लोग भेज सकते हैं क्या? ना शायद भेज दिया होगा, पहुंचने वाला होगा सर। नहीं सर, व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी अगर भेज देंगे तो फिर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर बोलने से हो जाएगा फिर। तो आज के लेक्चर में तो शायद इतनी जल्दी नहीं भेज पाएंगे वो। ग्रुप में सेंड कर देते हैं। हाँ, आप लोग में से कोई ग्रुप में सेंड कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है सर, कर दिया सर सेंड। हाँ, तो मैं स्टेटमेंट बोल पेज, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो असाइनमेंट है उसमें 2 लेवल्स हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो या तो आर्टिकल के थ्रू या बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पे लेवल 1 पे लिखा हुआ सॉल्व योर सेल्फ, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे लेवल 1 को। ज्यादा पेजेस नहीं है, 8 पेज हैं और 7 or 8 पेज, और उसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 or 3 क्वेश्चंस ईच असाइनमेंट में है। जो टोटल असाइनमेंट है, ठीक है, जब लेवल 1 और लेवल 2 में इंडिविजुअल असाइनमेंट पे जाएंगे तो असाइनमेंट 1 से लेके असाइनमेंट 10 है लेवल 2 में, और वो टॉपिक वाइज क्लासीफाई है। ये मान लीजिए मोर देन 95% जो असाइनमेंट लिखा है नेम उसी का क्वेश्चन होगा। सम क्वेश्चंस इंटरडिसिप्लिनरी होंगे और रेयर केस में एक आध क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है वो किसी और असाइनमेंट में जाना चाहिए था, यहाँ पे इंक्लूड हो गया हो, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे कोई भी इसमें कुछ चेंज करा देता है और कोई और मैटर पे काम करने वाले ने कोई चेंज करा दिया, हालांकि मैं मना करता हूँ पर फिर भी कुछ लोग होते हैं वो कर देते हैं। तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि बाई मिस्टेक उसको डाल दिया गया हो। मुझे इस बार शायद लगा है कि जो आप लोगों के पास गया है जो रिसेंट वाले एग्जाम के क्वेश्चन हैं गेट पेपर के, वो किसी ने और ने डलवाए हैं और वो इधर उधर डल गए हैं। हो सकता है कि वो बाद में आप लोगों तक पहुंचे करेक्ट होके, ठीक है। बट अभी फिलहाल में इसी असाइनमेंट को रेफरेंस लेंगे। तो 10 असाइनमेंट हैं टॉपिक वाइज क्लासीफाई हैं, और टॉपिक वाइज असाइनमेंट में फिर एग्जाम वाइज क्लासीफाई हैं, गेट पेपर, नेट पेपर, जेएस और टीआईएफआर, 4 एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो किस एग्जाम के लिए कितना लेवल है, किस क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो इस असाइनमेंट को रेफरेंस लेके आप खुद से भी कंपेयर कर सकते हैं कि क्या टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, किस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। ये सब रेफरेंस के लिए आप ये क्लियर करते जाएंगे तो आपको पता रहेगा। बाकी आपको ईच असाइनमेंट के बाद आंसर की भी है, बट आप लोग जब आंसर की अवेलेबल होता है तो सम स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर की देखेंगे फिर मेथड पे जाएंगे जो रॉन्ग है। आपको एग्जाम में सर्टिफिकेट इसके लिए नहीं मिलेगा कि आप आंसर की को एक्सप्लेन करिए, आपको सर्टिफिकेट इस बात के लिए मिलेगा कि जो कट ऑफ है उससे ऊपर मार्क्स आए, और उससे ऊपर मार्क्स तभी आएंगे जब आपका मेथड करेक्ट होगा। मेथड करेक्ट होगा तो ये मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, मेथड से आप करेक्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, और जो असाइनमेंट जिन लोगों को मिला है हार्ड कॉपी वो ऐसा ना करें जैसे बहुत स्टूडेंट का ये हैबिट होता है कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया और सॉल्व होने के बाद उसी पे आंसर की फिर से टिक कर लिया। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपको आंसर पता होगा। आप कितना कोशिश कर लेंगे ट्राई करने का, जब आंसर पता चल गया तो आप उसको ट्राई नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन असाइनमेंट को क्वेश्चन ही बने रहने दें, इस पे सॉल्यूशन इस पे कुछ नहीं लिखेंगे, इस पे जस्ट इतना हिंट करेंगे कि क्या क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है। जैसे मैंने 9 पेज पे प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करने के लिए बोला है, जब ये डिस्कस हो जाए तब इस पे आप टिक कर देंगे कि ये डिस्कस हो गया,
और अगर आप खुद से ट्राई करते हैं तो उसके लिए कोई डिफरेंट नोटेशंस लेंगे या आप डिफरेंट कलर यूज करेंगे कि आपने डिस्कस किया है या मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि जब आगे कुछ क्वेश्चंस साथ के साथ डिस्कस होते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए छोड़े जाएंगे जो एक साथ डिस्कस होंगे, तो उस टाइम पे फिर आपको सेलेक्ट करने में डिफिकल्टी फेस नहीं होगी कि क्या क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। तो ये सब थोड़ा अच्छे से सुने, अपनी जो आपकी हैबिट है उसको थोड़ा चेंज करें। एग्जाम ओरिएंटेड जो मैंने बताया वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि इस क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट को क्वेश्चन ही बना रहने दें, इसको सॉल्यूशन ना बनाएं। अगर उसी पे सम स्टूडेंट कुछ लिख देते हैं तो हिंट तो आपको पहले से ही पता होगा, तो वो आप अपनी नोटबुक में लिखिए जो लिखना है, सिर्फ इस पे टिक करेंगे कि मैंने डिस्कस कर दिया है या आपने ट्राई किया है, तो एचबी पेंसिल से उसको ट्राई करने के लिए टिक कर सकते हैं कि आपने कर लिया है, जिससे डिफ्रेंशिएट रहे कि आपने किया है या मैंने किया है। ठीक है, वो आगे यही पार्ट फॉलो करेंगे। तो पेज नंबर 9 पे प्रॉब्लम नंबर 1 आपको डिस्पर्जन रिलेशन दिया हुआ है। द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ ए सर्टेन वेव इज ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज द वेव वेक्टर, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड एम इज कॉन्स्टेंट। द ग्रुप वेलोसिटी वी, ये नोटेशन आपको ग्रुप वेलोसिटी के लिए दिया हुआ है, ऑफ द वेव हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आपको ऑप्शंस दिए हैं 4 ऑप्शंस में वी की वैल्यू को आपको कंपेयर करना है, और ग्रुप वेलोसिटी के मैंने सम एग्जांपल्स बता दिए। ठीक है, पहले आपको फॉर्मूला एक्सप्रेशन बताया हुआ है, तो मुझे लगता है कि साथ किसी को डिफिकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए ऑप्शन सेलेक्ट करने में। देखो जैसे आप लोग रिप्लाई करते हैं आंसर का, तो ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर रॉन्ग भी हो, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर करेक्ट भी हो। ठीक है, तो मेरा जो है नेचर है, मैं ये रिप्लाई नहीं करता कि आपका आंसर करेक्ट है, मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब आप सभी को आंसर पता चल जाएंगे, तो अपने आंसर को आप तब कंपेयर कर लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है जैसे मान के चलिए 200 या मोर देन 200 स्टूडेंट का ग्रुप है, ऑप्शन तो 4 ही है, किसी ने कहा कि सर ये आंसर है, और बाई चांस उसका आंसर रॉन्ग हो जाए, मैंने मना कर दिया, तो सभी को पता चल गया कि अब 3 ऑप्शन से सेलेक्ट करना है रिमेनिंग 3 ऑप्शन से। फिर किसी और ने पूछा कोई और ऑप्शन, मैंने उसको भी मना कर दिया कि नहीं ये रॉन्ग है, तो ऐसे करके सबको आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा, तो मेथड पे हम फिर अलर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ट्राई सभी करें। ठीक है, सभी का मोस्टली स्टूडेंट का जो इजी पार्ट है सभी के आंसर्स करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, बट ऐसा होता है कि सम स्टूडेंट फिर भी सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैं पूरी क्लास को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फिर कोई ये ना कहे कि बाद में कि सर ने क्वेश्चन छुड़ाया है, ये हमें नहीं समझ में आया, या कोई इंडिविजुअल ना पूछे, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से उसको सॉल्व करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप लोग जो सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है आपका कोई मेथड लेस टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करा दे करेक्ट हो। ठीक है, मेथड मेरा भी करेक्ट होगा, बट रेयर केस में मेरा मेथड ऐसा हो सकता है कि आपसे लेंदी हो जाए, तो जिसको जो मेथड अच्छा लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि मेरे मेथड से कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसको जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपको ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करना था यहाँ पे, तो इसको आप डिफरेंशियल करेंगे। ग्रुप वेलोसिटी का डेफिनेशन डी ओमेगा बाई डी के, और डिफरेंशियल किया तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। जब आप सी स्क्वायर के स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो ट्वाइस के सी स्क्वायर बनेगा। अब यहां से 2 कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर के स्क्वायर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से आउटर में नोट करेंगे तो सी का 1 पावर एडजस्ट हो गया और के का 1 पावर कैंसिल आउट हो गया, देन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के स्क्वायर। अगर आपसे एक्सप्रेशन पूछा होता तो ये एक्सप्रेशन बन गया ग्रुप वेलोसिटी के लिए, बट आपको वहां पे एक्सप्रेशन नहीं पूछा है, लिमिटिंग वैल्यूज पूछी हुई हैं, तो के की लिमिट आपको अप्लाई करना है एज के टेंड्स टू 0। आपने यहाँ पे के को 0 किया, यहाँ पे के को आपने 0 कर दिया, तो ये एम स्क्वायर बाई 0 इनफाइनाइट हो गया, और 1 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और c बाई इनफाइनाइट 0 बन जाएगा। तो जैसे ही आपने k टेंड्स टू 0 लिया, ये टर्म वेलोसिटी टेंड्स टू
जीरो चला गया। अब जैसे ही आप के को इनफाइनाइट लेंगे, के को इनफाइनाइट लेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो बनेगा और वन प्लस जीरो वन होता है, और सी में वन से डिवाइड किया तो सी बनेगा, तो वी टेंड्स टू सी। अब ये ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम पेज पे ही प्रॉब्लम नंबर फोर को भी ट्राई करेंगे। वन मिनट ट्राई कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। हेलो सर। हाँ जी सर, यहाँ पर के की वैल्यू कैसे लेनी पड़ेगी हमको? किसमें सर के की वैल्यू कैसे चूज करनी पड़ेगी? लास्ट वाले में? यस सर, अभी कराया जो कौन, ये दीज टू वैल्यूज प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है, तो इन लिमिट पे आपको वी की वैल्यू चेक करनी है। तो के अपनी चॉइस से नहीं ले रहे, के की तो दीज वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेनी है आपको। अब इन के की वैल्यू प्लेस करके वी की वैल्यू फाइंड करने में डिफिकल्टी है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बताइए। ये क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है सर। ऑप्शन में मेंशन है ना, ये चेक तो करो। ऑप्शन से मतलब रखना पड़ेगा, जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग तो वैल्यूज को चेक करेंगे। यस। तो प्रॉब्लम नंबर फोर को डिस्कस करते हैं। Given a wave with dispersion relation omega equals ck plus m for k greater than 0 and m greater than 0, which one of the following is true? और ऑप्शन में अगर आप कंपेयर करें तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट रिलेट करना है। तो यहां से अगर आप ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करें d omega by dk, that is c, और अगर फेज वेलोसिटी फाइंड करें तो फेज वेलोसिटी के लिए ओमेगा बाई के, तो k से डिवाइड किया तो c प्लस m बाई के। अब यहां पे जाइए, k पॉजिटिव है m पॉजिटिव है तो ये रेशियो पॉजिटिव हो गया, और vp में c से कुछ टर्म ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हैं, जब ऐड करेंगे तो ये आपको कंफर्म हो गया कि vg, ये वैल्यू vg है, vg में m by k पॉजिटिव रेशो ऐड करेंगे तो vp ग्रेटर देन vg बनेगा। या आप इसको इधर माइनस ले आइए तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि vg इक्वल्स vp माइनस m by k, तो vg वैल्यू ठीक है, चाहे जैसे आप उसको चेक कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया हो उसको आप वहां पे रिलेट कर सकते हैं। द ग्रुप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी, द ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन, तो आपको यहां से दोनों से आपको ये कंफर्म हो रहा है कि ये लेस देन है। पेज नंबर 10 पे प्रॉब्लम नंबर 2।
पेज नंबर 10 पे प्रॉब्लम नंबर 2 ट्राई किया। देखो इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में एक वेव नंबर का कंसेप्ट दिया है। हमने जो डेफिनेशंस पढ़े हैं वो वेव वेक्टर में पढ़े हैं, ये भी थोड़ा क्लियर करना है। ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, मेथड में माइनर एक फैक्टर से मॉडिफाई होगा 2π से, आप थोड़ा रिकॉल करें क्योंकि यही मिस्टेक हो सकता है किसी जहां पे ये डिफरेंस टर्म कंट्रीब्यूट करे तो वहां पे भी मिस्टेक कर लें। ये प्रोपिगेशन वेक्टर हम पढ़ते हैं 2π/λ, बट वेव नंबर पढ़ते हैं हम लोग 1π/λ। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वेव नंबर। ठीक है, इसको मैंने k डैश ले लिया और वेव नंबर यहाँ पे जो नोटेशन दिया है वो k दिया हुआ है, ये वेव वेक्टर है। तो एक डिफरेंस है यहाँ पे, दोनों नोटेशन सेम तो दिए हैं बट डेफिनेशन में वर्ड डिफरेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट में वर्ड डिफरेंट दिया हुआ है। एक 2π फैक्टर से मॉडिफाइड हो जाएंगे रिजल्ट, बट ये जो रिजल्ट है यहाँ पे क्यों कंट्रीब्यूट नहीं किया ये 2π फैक्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम फेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो ओमेगा बाई के डैश, और ग्रुप वेलोसिटी हमने फाइंड किया तो डी ओमेगा बाई डी के डैश। तो स्टेटमेंट में मेंशन है, मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, द वेव नंबर के एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा ऑफ ए वेव आर रिलेटेड बाई द डिस्पर्जन रिलेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स अल्फा के प्लस बीटा के क्यू, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, द वेव नंबर फॉर विच द फेज वेलोसिटी इक्वल्स द ग्रुप वेलोसिटी। तो लास्ट में ये इक्वेट करने पड़ेंगे तो ये जो फैक्टर यहाँ पे 2π कंट्रीब्यूट करेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ। अदरवाइज ये जब ये कहीं डिफरेंट कंट्रीशन कैलकुलेट करना होगा तब ये 2π कंट्रीब्यूट कर सकता है, यहाँ पे तो एक्सप्रेशन था इसलिए एक्सप्रेशन में वो कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो साइड से वो कैंसिल आउट हो रहा है। क्लियर रहेगा आगे? ठीक है, आगे वेव नंबर और वेव वेक्टर सेम नहीं होते, दोनों डिफरेंट होता है, बट इस प्रॉब्लम में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इस एक्सप्रेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए अगर आपने इग्नोर भी किया तो आपका आंसर मैच कर गया होगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है अल्फा के प्लस बीटा के क्यू, अगर यहां से आप ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर फाइंड कर लें, के स्क्वायर से डिवाइड करें इसको तो ये टर्म अल्फा बाई के प्लस बीटा के बनेगा, और दिस टर्म इज फेज वेलोसिटी स्क्वायर। अगर आप इस रिलेशन को एस सच डिफरेंशिएट कर दें के रेस्पेक्ट में तो ट्वाइस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3β के स्क्वायर। अब यहां से ये 2 को एडजस्ट करें और k से डिवाइड कर दें, दिस वैल्यू अल्फा बाई 2k प्लस 3/2β k, एंड ओमेगा बाई k इज फेज वेलोसिटी एंड डी ओमेगा बाई डी के इज ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन आपको पता चल गया, ये आपको यहां पे कंफर्म हो गया। अब स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करें, स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है द वेव नंबर फॉर विच ऑल वैल्यू ऑफ वेव नंबर के लिए फेज और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल है, दैट वेव नंबर फाइंड करना है। और जैसे ही आप इसको इक्वल करेंगे तो वीजी को वीपी कर दीजिए, तो ये टर्म भी अल्फा बाई 2 के नॉट प्लस 3/2β के नॉट, ये बीपी स्क्वायर बन गया और एक बीपी स्क्वायर आपका यहाँ पे है ये टर्म। तो दोनों वैल्यूज बीपी स्क्वायर के लिए आप इक्वेट करके के नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो अल्फा बाई के नॉट, अल्फा बाई 2 के नॉट, 3/2β के नॉट, राइट साइड अल्फा बाई के नॉट प्लस 3β, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये बीटा के नॉट है, दिस टर्म इज बीटा के नॉट, दिस टर्म इज बीटा के नॉट।
अब बीटा के नॉट टर्म्स सेम साइड लाएंगे तो 3/2 से 1 डिफरेंस किया तो बीटा के नॉट और ये अल्फा बाई 2 के नॉट राइट में ले जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे 1/2 और 1/2 के नॉट, 2 एडजस्ट हो गया, देन के नॉट स्क्वेयर दैट इज अल्फा बाई बीटा, देन के नॉट इज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाई बीटा। पेज नंबर 10 पे प्रॉब्लम नंबर 1। सर ये वेव फैक्टर वाला दोबारा बता दो प्लीज। क्या बताना है बताइए। ये बताया था ना आपने शुरुआत में वेव वाला, ये वाला देखो वेव वेक्टर वेवलेंथ के टर्म्स में डिफाइंड है 2π/λ जो हम यहाँ पे यूज करते हैं और वेव के लिए हम 12th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, बट वेव नंबर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, वेव नंबर यूनिट आप लोगों ने हो सकता है दैट टाइम पे ये न्यू डैश पढ़ा हो, पढ़ा होगा। यस सर। यस सर। वेव नंबर का होता है कि पर सेंटीमीटर में कितने वेव्स आ रहे हैं, वेव का वेवलेंथ पता है, वेवलेंथ हमें अगर कंफर्म हो जाएगा तो हम पर सेंटीमीटर में चेक करेंगे कि उसके कितने वेव फॉर्म इंक्लूड हो रहे हैं उस सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, वो होता है वेव नंबर, वेव नंबर। वेव वेक्टर होता है कि 2π वाले पार्ट के लिए, ठीक है, कितने वेव इंक्लूड हो रहे हैं, तो दोनों में 2π फैक्टर का डिफरेंस है, बट यहाँ पे क्योंकि जो डेफिनेशन है ये नोटेशन वाइज एक्सप्रेशन वाइज हम चेक कर रहे हैं, अगर आपसे जैसे ये पूछा होता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज वेलोसिटी, तब ये कंट्रीब्यूट कर जाता है 2π फैक्टर, बट यहाँ पे जो रिलेशन है यहाँ पे ये 2π एडजस्ट हो रहा है। और एक पार्ट और चेक करें, सम टाइम कुछ ऐसी यूनिट्स में आप रिजल्ट पढ़ते हैं जहां 2π को आप 1 ले सकते हैं, उस यूनिट में ये k और k डैश दोनों मैच कर जाएंगे, अदरवाइज तो ये k/2π बनना चाहिए था, यहाँ पे k/2π, ये टर्म भी k/2π का क्यूब बनता है, बट वो 2π फैक्टर यहाँ पे लास्ट में एलिमिनेट हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये हिंट किया कि यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वेव नंबर को प्रोपेगेशन वेक्टर मानते हुए, बट हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में वो दोनों डिफरेंट कंट्रीब्यूट करें और वो फिर ऑप्शन में इंक्लूड किया हुआ, ठीक है जी। सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको पता कैसे चलेगा डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, फिर से बताइए सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फिर, अगर यहाँ पर तो चलो मानते हैं कि वो कैंसिल हो गया है ना, तो आप रख के देख लीजिए, आप k डैश के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इस k को k/2π कर लीजिए, यहाँ पे k/2π कर लीजिए, फिर से ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। हेलो सर। जो डेफिनेशन जैसे मैंने जो डेफिनेशन बताया बुक में आप डेफिनेशन पढ़ते हैं वेव वेक्टर के टर्म्स में, तो वेव वेक्टर के टर्म्स में अप्लाई करें, अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि सेम होगा या नहीं होगा, लास्ट में रिजल्ट ऑटोमेटिक करेक्ट आ जाएगा। हाँ जी, कोई पूछ रहे थे फिर से। सर अगर इसको जैसे हम वीपी को अलग से निकाल लें, क्योंकि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, वीपी अलग से निकाल लें और फिर वीजी निकाल लें इसको डिफरेंशिएट करके, हाँ जी, तब भी बैठ जाएगा, उसके बाद में इसको इक्वेट करें सर मेरा, हाँ, कहीं कैलकुलेशन में एरर हो रहा होगा, बाकी तब भी करेक्ट बैठेगा, ठीक है सर। सर k को चेंज करना पड़ेगा k, हाँ, एक देखो इस देखो हम कई बार प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो कई बार हमसे कुछ मिस्टेक हो जाते हैं और हम उनको इग्नोर करते जाते हैं, ये जो रिलेशन आया है यहाँ पे k की ऑल वैल्यूज पे वीपी वीजी इक्वल नहीं है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इक्वल है इसलिए वो बाकी वैल्यू से डिफरेंट होगा, वो तो ये आपको स्टेप क्लियर करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सभी वैल्यू पे इक्वल नहीं है। हाँ सर। पेज नंबर 10 पे प्रॉब्लम नंबर 1 का रेफरेंस दिया था, ठीक है, फिर से सिमिलर आपको डिस्पर्जन रिलेशन है, E equals square root of P magnitude square C square plus M square C power 4. ये एनर्जी दिया एक्सप्रेशन दिया है, अगर नहीं भी दिया होता तो अब तक आपको मोर टाइम मैंने हिंट कर दिया है कि रिलेटिविस्टिक केस के लिए क्या एनर्जी एक्सप्रेशन बनेगा। When M is the rest mass, P is the momentum, C is the speed of light in vacuum, then the ratio of Vg to Vp. तो आप यहाँ पे Vg फाइंड कर लीजिए, डी बाई डी पी डिफरेंशियल करेंगे पी के रेस्पेक्ट में, तो पी मैग्नीट्यूड स्क्वायर सी स्क्वायर
एम स्क्वायर सी पावर 4, और जब आप ये डिफरेंशियल करेंगे तो ट्वाइस सी स्क्वायर पी मैग्नीट्यूड बनेगा, 2 एडजस्ट हो गया, तो सी स्क्वायर पी मैग्नीट्यूड, और ये टर्म को फिर से ये लिख सकते हैं, तो वी जी बाई वी पी, तो सी स्क्वायर पी मैग्नीट्यूड बाई ई, और वी पी को आप डिफाइन करेंगे ई बाई पी, तो सी स्क्वायर ये पी मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर में जाएगा तो पी स्क्वायर हो गया और ये ई स्क्वायर बन गया, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आपको कॉम्प्टन वेवलेंथ डिस्कस हो गया है, तो पेज नंबर 9 पे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कॉम्प्टन वेवलेंथ बताए थे, पेज नंबर 9 पे प्रॉब्लम नंबर 7 का आंसर भी आप टिक कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट टारगेट के लिए कॉम्प्टन वेवलेंथ बताया था, चाहे तो फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको दैट टाइम पे नोटबुक में आप लोगों ने नोट किया होगा, उसको आप रेफरेंस ले सकते हैं। सर क्वेश्चन 4 का आंसर दिखाएं प्लीज। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्व के ओके सर, थैंक यू, हो गया। सर हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, फिर वेव पैकेट आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया, जैसे ही मटेरियल पार्टिकल मोशन में होगा क्वांटम मैकेनिकली, उससे वेव एग्जिस्ट करेगा, वेव वेव फॉर्म, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएट होंगी। अब वो डिटेक्ट होंगी या नहीं होंगी, उसके लिए आपको मैंने हिंट किया कि वेव लाइक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वेव पैकेट पार्टिकल के साथ एसोसिएट है, अभी आपको मैंने हिंट किया कि जैसे ये आई टाइप शेप बनता है, तो पार्टिकल नेचर से, तो पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर शार्प पोजिशन को ऑक्यूपाई करेगा, बट वेव नेचर से पार्टिकल इस वेव पैकेट के इनसाइड में कहीं पे भी हो सकता है, जहां पे पीक बन रहा है, जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये आई टाइप शेप, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं क्योंकि आई का मिडिल पोर्शन पे विड्थ मैक्सिमम होता है और कॉर्नर पे लेस होता है, सेम शेप आपको यहाँ पे वेव पैकेट के लिए बनता है, कि कॉर्नर पे लेस हाइट विड्थ है और मिडिल में मोर विड्थ है। तो क्वांटम मैकेनिकली अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इसके सेंटर पे आप एज्यूम कर सकते हैं ऑन एन एवरेज, बट क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे वेव नेचर लेंगे आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा, वहां पे प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट पड़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, प्रोबेबिलिटी होगी बट कहीं पे प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, कहीं पे प्रोबेबिलिटी 0% नहीं है, तो ये आप क्वांटम मैकेनिकली यहाँ पे जब रेफरेंस लेंगे तो पार्टिकल की पोजिशन इस वेव पैकेट के इनसाइड में, जब आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो किसी पॉइंट पे भी पार्टिकल हो सकता है इस वेव पैकेट के इनसाइड में। मोर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर आपने 100,000 टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो हो सकता है कि मोर देन 50% वो इस पोजिशन को ऑक्यूपाई करे, बट यहाँ पे भी होगा पार्टिकल, यहाँ पे भी होगा, इस ऑल वेव पैकेट की विड्थ के इनसाइड में कहीं पे भी पार्टिकल ऑब्जर्व हो सकता है। तो क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल की पोजिशन अनसर्टेन है, शार्प पोजिशन नहीं है, जो आप पार्टिकल नेचर से बता रहे थे कि टी इक्वल जीरो पे अगर पार्टिकल की शार्प पोजिशन पता है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे है, तो आफ्टर सम टाइम XT आप शार्पली बता सकते हैं क्लासिकली कि कहाँ पे होगा पार्टिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आप शार्पली बता सकते हैं कि 10^3 मीटर डिस्टेंस पे होगा इनिशियल पोजिशन के रेस्पेक्ट में, या 10^5 मीटर पे होगा, बट क्वांटम मैकेनिकली आप जस्ट ये बता सकते हैं कि इस वेव पैकेट के इनसाइड में कहीं पार्टिकल है, एग्जैक्टली किस पोजिशन पे है वो आपको नहीं पता, तो पोजिशन ड्यू टू वेव नेचर अनसर्टेन है। आप लोग इस
वेव नेचर की रीजन से एक यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पड़ता है जो वेव नेचर की वजह से राइज होता है. उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो मैं एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, ठीक है, बट उसके जो कुछ एप्लीकेशंस हैं वो एक साथ ऑल एप्लीकेशंस हो जाएं, ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, वो वेव फंक्शन के बाद उसके एप्लीकेशंस कराएंगे. बट मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ, क्योंकि वो जैसे ही डी ब्रोगली कंसेप्ट, वेव पैकेट का कंसेप्ट आता है, उसी के साथ ऑटोमेटिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में इंक्लूड होता है. हेलो सर. हाँ जी सर, फेज वेलोसिटी से पार्टिकल वेलोसिटी मैच नहीं किया तो इसलिए हम पार्टिकल को सिंगल वेव से डिस्क्राइब नहीं कर पाए. वो तो मैंने परसों बता दिया था शायद. हाँ जी, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो वेव पैकेट है वो एक क्लासिकल फिनोमिना है? नहीं, अभी जो पहले स्टूडेंट पूछ रहे थे जी सर, फेज वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी से मैच नहीं करता, मैच नहीं करता, तो हम फेज वेलोसिटी को पार्टिकल वेलोसिटी के टर्म्स में अगर रेज्यूम करेंगे तो हम मिस्टेक कर रहे हैं. ठीक है, जब सिंगल वेव था तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं था, इसलिए सिंगल वेव का कंसेप्ट मॉडिफाई हुआ, तब ग्रुप ऑफ वेव्स का कंसेप्ट आया, वेव पैकेट का कंसेप्ट आया. वेव पैकेट में हमारे पास टू चॉइस है वेलोसिटी की, एक फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी. तो ग्रुप वेलोसिटी कंफर्म हो गया कि पार्टिकल वेलोसिटी है, बट दैट टाइम पे फेज वेलोसिटी मैथमेटिकल सिंपलीफिकेशन के लिए यूज होगा, बट उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको हम पार्टिकल वेलोसिटी के टर्म्स में इंटरप्रेट नहीं कर सकते. तो जैसे ही वेव पैकेट का कंसेप्ट आएगा, पोजिशन में अनसर्टेनिटी है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ड्यू टू वेव नेचर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंक्लूड हो जाएगा. आप लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट पढ़ा होगा, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट पढ़े होंगे. एक पार्ट को और क्लियर करेंगे. देखो, हम सेपरेट सेपरेट बुक पढ़ते जाते हैं, हमको जो पढ़ाया जाता है एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स सेपरेटली पढ़ लिए मोस्टली. जितनी बुक्स अपने क्लासिकल मैकेनिक्स का पढ़ा, पहले न्यूटनियन अप्रोच का कुछ हिंट दिया होगा, फिर लैग्रेंजियन अप्रोच रहा होगा, लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म, फिर हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म रहा होगा, फिर स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी गए, या रिजिड बॉडी, या जो भी जिस तरह से चैप्टर्स वहाँ पे बुक में है, फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स का सेपरेट बुक पढ़ते हैं, ठीक है. बट कोई ऐसा बुक आप लोगों ने हो सकता है रेयर केस में पढ़ा हो कि जो आपको इसके बीच वाले सिलेबस को बताता हो कि कहाँ से एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होता है. देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम शार्पनेस पढ़ते हैं, पार्टिकल का पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं, पार्टिकल वेव का वेव नेचर पढ़ते हैं, सिंगल करेक्टर होता है, और वहां पे एरर हम नहीं पढ़ते, अनसर्टेनिटी नहीं पढ़ते. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा. बट जैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म आता है, अगर उस हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म को आप माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे अप्लाई करने लगे, तो वहां ऑटोमेटिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाएगा. क्लासिकल में हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म, यहाँ पे आप लोगों को अभी शायद पढ़ाया नहीं गया होगा, रिकॉल करेंगे अपने यूजी और पीजी सिलेबस से, पीजी लेवल से, कि लैग्रेंजियन में क्यू और क्यू डॉट और टी होता है. लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ क्यू क्यू डॉट टी. क्यू डॉट डिपेंड्स ऑन क्यू, टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू, डी क्यू बाई डी टी. बट हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म में आप किसी पोजिशन जर्नलाइज कोऑर्डिनेट के इक्विवेलेंट मोमेंटा, कैनोनिकली कंजुगेट मोमेंटा फाइंड कर लेते हैं P, ठीक है. बट जब हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म में आता है तो Q और P इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. कैलकुलेट तो आप P को Q से ही कर रहे हैं, बट जब हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म में आया तो Q और P इंडिपेंडेंट कर दिया. और हमने सेम टाइम पे फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री पढ़ा, वहां पे डिफरेंट पार्ट बताए जाते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में. तो माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे अगर आप चेक करें, अगर सेम टाइम पे हमने क्यू और पी कंसिडर किए, अगर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का साइज एक रफ एस्टिमेशन अगर हम ले रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए सेंटीमीटर साइज पढ़ लिया हम, 10^-2 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे स्प्रेड हुआ डेल्टा पी और डेल्टा एक्स में, अनसर्टेनिटी आया, बट वो अनसर्टेनिटी 10^-15 मीटर के ऑर्डर का आया, तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, तो आप ये नेग्लेक्ट कर देते हैं. बट अगर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हम ले रहे हैं, और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए जो साइज है वो हमने एज्यूम कर लिया 10^-6 और -7 मीटर के, ये मीटर में है, ये डेटा मीटर में है, ये
10^-7 मीटर मैंने अज्यूम कर लिया, बट यहाँ पे अनसर्टेनिटी सपोज 10^-9 आ गया तो ये कंट्रीब्यूट करेगा, तब यहाँ हम इसको अनसर्टेनिटी टर्म इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो साइज के रेस्पेक्ट में अनसर्टेनिटी वहां पे भी आया बट वो कंट्रीब्यूट नेग्लिजिबल है, कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करेगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में अफेक्ट करेगा वो जब हम डेटा फाइंड करेंगे। तो ये आपको आगे क्लियर रहना चाहिए, जब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे भी अनसर्टेनिटी टर्म आता है बट वो डिटेक्ट नहीं होता, अनसर्टेनिटी साइज के रेस्पेक्ट में बहुत कम अनसर्टेनिटी होता है, तो थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है वो बट वो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं होता, जैसे क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के लिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए डिटेक्ट हो जाता है। तो ये हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में पहले पढ़ाया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स को क्लियर करने के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स में आप सारे रिजल्ट्स आगे हैमिल्टोनियन से ही फाइंड करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन में हैमिल्टोनियन आता है, हैमिल्टोनियन के इक्विवेलेंट आप श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, बट अगर हैमिल्टोनियन आप क्वांटम मैकेनिक्स में ही डायरेक्ट पढ़ें तो क्वांटम मैकेनिक्स और डिफिकल्ट लगने लगेगा, इसलिए वो क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टार्ट करके आपको बताया जाता है, पहले मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए फिर आप माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसे ही क्यूआरपी एक साथ पढ़ेंगे सेम टाइम पे आप पढ़ेंगे वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, बट वो कंट्रीब्यूट करेगा, डिटेक्टेबल आएगा और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आपने अनसर्टेनिटी सिस्टम के साइज के रेस्पेक्ट में किस ऑर्डर का फाइंड किया है। क्लियर रहेगा आगे? अब ये स्टेटमेंट को नोट करते हैं। इफ x component of position of quantum mechanical system, if x component of position of quantum mechanical system या पहले मोमेंटम का नोट करते हैं फिर एक्स पर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर लेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इफ एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात जब तक एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ेंगे, मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम। इफ एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज मेजर्ड विद एन अनसर्टेनिटी delta px, then its x component of position cannot be measured simultaneously more accurately than h cross by 2 delta px। ये मैंने that statement note किया है जिस original form में Heisenberg ने इसको suggest किया था, ठीक है, but इसी को generalize करेंगे। तो जनरलाइज स्टेटमेंट आप कैनोनिकली कंजुगेट पेयर के लिए नोट करते हैं, तो पहले जनरलाइज स्टेटमेंट नोट कर दें फिर इसके टर्म को आप यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल, ओनली एक्स और पी एक्स के लिए ही अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट नहीं होता, इससे रिमेनिंग वेरिएबल्स के लिए भी होता है। इट इज इम्पॉसिबल बट ऑल के लिए नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल to measure a pair of two canonically conjugate dynamical variables
it is impossible to measure a pair of two canonically conjugate dynamical variables simultaneously. To arbitrary accuracy. This is the generalized statement corresponding to Heisenberg uncertainty principle. देखो यहाँ पे impossibility है, अपनी choice से हम accuracy specify नहीं कर सकते same time पे. According to Heisenberg uncertainty principle, it is possible to measure a pair of two canonically conjugate dynamical variables. Statement में जो word है उनको clear करेंगे. It is possible to measure a pair of two canonically conjugate dynamical variables. यहाँ पे कोई uncertainty principle violate नहीं हुआ. Measure कर सकते हैं, but same time पे measure नहीं कर सकते arbitrary accuracy से. Impossibility कहाँ पे है कि ऐसा हो सकता है आपने t equal zero पे अपनी choice से delta x को specify कर दिया कि इतना error आना चाहिए. बट t इक्वल जीरो पे आप डेल्टा पी एक्स को स्पेसिफाई नहीं कर सकते अपनी चॉइस से. अपनी चॉइस से यहाँ पे डेल्टा पी एक्स को स्पेसिफाई नहीं कर सकते. ये हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई होगा. बट अगर आप t इक्वल जीरो पे डेल्टा एक्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो t इक्वल 10 सेकेंड पे आप डेल्टा पी को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 10^-15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा. ये स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो सेम टाइम का कंसेप्ट है यहाँ पे. साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे रेस्ट्रिक्शन है और एक्यूरेसी पे रेस्ट्रिक्शन है. अगर एक्यूरेसी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो मीजर कर सकते हैं. एक में एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, अनदर में ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर हो गया सभी को? हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल सेम टाइम पे मेजरमेंट को आर्बिट्री एक्यूरेसी से रेस्ट्रिक्ट करता है. तो टू वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो साइमल्टेनियस और आर्बिट्री एक्यूरेसी. अगर एक्यूरेसी पे वर्क नहीं कर रहे तो मेजर कर सकते हैं. अगर कोई मोर एक्यूरेट होगा तो अनदर वेरिएबल इनएक्यूरेसी की तरफ जाएगा, वहां पे एरर इंक्रीज हो जाएगा. बट किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप डेल्टा एक्स को एक्यूरेट कर रहे हैं तो सेम टाइम पर डेल्टा पी इनएक्यूरेट हो जाएगा. बट नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है कि डेल्टा पी एक्स एक्यूरेट हो जाए. अब यहाँ पे जो पेयर है उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है. ऑल पेयर के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट नॉन जीरो नहीं होगा. सिर्फ किसके लिए है? कैनोनिकली कंजुगेट डायनेमिकल वेरिएबल के लिए. तो ये आप लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट पढ़े होंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस वाई टू, डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, एनर्जी एंड टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, एंगुलर पोजिशन एंगुलर मोमेंटम इस एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर प्लेन में ये एंगुलर पोजीशन मेजर करेंगे. तो इसलिए मैंने जेड में लिखा है. तो ये डेल्टा थीटा एक्स वाई में आप मेजर कर रहे हैं. तो कैनोनिकली कंजुगेट पेयर सम पेयर्स मैंने यहाँ पे नोट कर दिए. देखो यही टर्म आगे जब कॉम्यूटेटर्स पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में तब भी ये रिलेट होगा. तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स के लिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ वाई पी वाई जेड पी जेड. बट अगर यही टर्म को चेक करने लगे डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाई तो ये जीरो आता है. तो कैनोनिकली कंजुगेट पेयर के लिए एप्लीकेबल होगा. कहीं आपने डेल्टा ई और डेल्टा एल नहीं पढ़ा हो तो ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए कि कैनोनिकली कंजुगेट डायनेमिकल वेरिएबल डेल्टा थीटा इज द एंगुलर पोजिशन मेजर्ड इन प्लेन परपेंडिकुलर टू एल, एंगुलर पोजिशन. कोई स्टूडेंट ने पूछा डेल्टा थीटा क्या है, तो मैं लिख देता हूं इसको. एंगुलर पोजिशन मेजर्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू एल, एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम.
तो कैनोनिकली कंजुगेट डायनेमिकल वेरिएबल पेयर पे रेस्ट्रिक्शन है कि कोई ऑल पेयर कैनोनिकली कंजुगेट नहीं है, जो कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वही पेयर कैनोनिकली कंजुगेट डायनेमिकल वेरिएबल पेयर होगा, और उसके लिए आपको हैमिल्टोनियन फॉर्मेशन से आइडिया मिलता है। जब आप हैमिल्टोनियन अप्रोच पढ़ते हैं तो आप लोगों ने क्यू डॉट पढ़ा होगा, डेल एच बाई डेल पी आई, पी आई डॉट पढ़ा होगा माइनस डेल एच बाई डेल क्यू आई, ये आपने हैमिल्टोनियन फॉर्मेलिज्म में पढ़े होंगे। तो जो पेयर हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करेगा दैट पेयर इज नोन एज कैनोनिकली कंजुगेट डायनेमिकल वेरिएबल पेयर। द पेयर ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइज द Hamilton's canonical equation of motion. Canonically conjugate डायनामिकल वेरिएबल पेयर। डायनेमिकल वर्ड इसलिए यूज करेंगे क्योंकि मोशन से रिलेटेड है, वेरी करेंगे, डायनेमिकल वेरिएबल, ठीक है। तो यहां से अगर सम बुक में ये यूनिट से हिंट करता है कि यूनिट एक्शन का यूनिट होना चाहिए, बट ये यूनिट को अगर चेक करने लगे तो ये यूनिट भी एक्शन का है प्रोडक्ट में, वाई पोजिशन का यूनिट, पी लीनियर मोमेंटम का यूनिट, तो ये कंपेयर करेंगे तो यूनिट जूल सेकंड आएगा, और जूल सेकंड ही यहाँ पे बन रहा है, ये यूनिट भी जूल सेकंड है, एनर्जी टाइम भी जूल सेकंड है, बट जूल सेकंड से ही ओनली स्पेसिफाई नहीं हो रहा है क्योंकि जूल सेकंड के लिए ये पेयर भी जूल सेकंड का यूनिट होगा, बट इसका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। बट यहाँ पे चेक करिए, जो यहाँ पे आईएथ सफिक्स में है तो ये भी आईएथ ही पार्ट है, या जीएथ नहीं है, तो इसलिए सेम कंपोनेंट आएंगे पोजीशन और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और मोमेंटम वाले पार्ट। तो यहाँ पे आपको मैंने जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बता दिया और जो ओरिजिनल फॉर्म था स्टेटमेंट का वो आपको हिंट कर दिया, कैनोनिकली कंजुगेट डायनेमिकल वेरिएबल पेयर का आपको डेफिनेशन बता दिया। ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होंगी दैट पेयर जो तीन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा दैट पेयर इज नोन एज कंजुगेट कैनोनिकली कंजुगेट डायनेमिकल वेरिएबल पेयर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस करेंगे, मैं थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशंस का, बट वो एप्लीकेशंस आगे एक साथ बोथ टाइप ऑफ एप्लीकेशन आगे डिस्कस हो जाएंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ये आपको नोन होगा चाहे इनइक्वालिटी में हो चाहे इनइक्वालिटी में हो, ठीक है, ये यूज करेंगे और आप समटाइम काइनेटिक एनर्जी ये फाइंड करेंगे। डेल्टा ई डेल्टा टी आपको नोन होगा, सम रिजल्ट आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, एक कंसेप्ट आता है स्पेक्ट्रल विड्थ का, डेल्टा लेमडा ये फाइंड करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है वो फर्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, और आपको अनदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन में साई गिवन होगा, ये नोन होगा साई गिवन होगा, और आपको ये अनसर्टेनिटीज फाइंड करनी होंगी, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड करने होंगे। तो बोथ टाइप ऑफ एप्लीकेशन आपको बेस्ड प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा गया है, बट साई से कैसे डेल्टा एस डेल्टा पी फाइंड करना है वो कंफर्म करा के फिर बोथ टाइप ऑफ एप्लीकेशन एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी साई का मैंने कोई आइडिया नहीं दिया है इसलिए मैं यहाँ पे हिंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता ये आपको हिंट कर दूं तो सम स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि ये इनइक्वालिटी में रिजल्ट है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू,
तो सम प्रॉब्लम के कैलकुलेशन में सम टाइप ऑफ सिस्टम्स के लिए तो ये H+Y2 यूज करते हैं, और सम प्रॉब्लम्स के लिए इसको H+ या H6 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको कंफर्म कर लेंगे कि किसके लिए H+Y2 है, तो आगे डाउट नहीं रहेगा, इसलिए एक साथ नोट करेंगे जो वेव फंक्शन के बाद आपको हिंट करेंगे। ये जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी नोटेशंस हैं, अनसर्टेनिटी वर्ड यूज करते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप फर्स्ट टाइम अनसर्टेनिटी वर्ड यूज करते हैं, बट ये इनडायरेक्टली जो डेल्टा टर्म है वो आपने 10th लेवल पे पढ़ा हुआ है। क्लियर है सभी को या नहीं? क्वांटम मैकेनिक्स में वर्ड यूज कर रहे हैं अनसर्टेनिटी, बट उससे पहले आप लोगों ने वर्ड यूज किया होगा एरर। यस सर। आप लोग एक और बिलो 10th लेवल एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, लीस्ट काउंट, पढ़ा था आप सभी ने? यस सर। यस सर। लीस्ट काउंट, इसको रेट करने के लिए सबसे इजी एग्जांपल लीस्ट काउंट है। आप लोगों ने दैट टाइम पे लीस्ट काउंट हो सकता है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, दीज इंस्ट्रूमेंट के लिए पढ़े हो, ठीक है। बट आप लोगों पे जो मोस्टली आप यूज करते हैं 6 इंच और 12 इंच वाला स्केल यूज करते हैं, मीटर स्केल, उसको अगर रिलेट करेंगे लीस्ट काउंट से तो आप बहुत इजी वे में इसको रिलेट कर पाएंगे। 6 इंच वाला जो स्केल होता है, मीटर स्केल सभी पे होता है, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है बता सकते हैं? 1 मिलीमीटर। हाँ जी, देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको आप एक्यूरेसी से मेजर कर पाए वो लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो वहां पे आप चेक करिए 6 इंचेस वाले स्केल्स में इंच वाले साइन भी हैं, उससे लोअर साइन सेंटीमीटर है, और स्मॉलेस्ट जो साइन है वो मिलीमीटर का है, तो 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है वहां पे। तो जो वहां पे एरर आएगा वो 1 मिलीमीटर आएगा। क्लियर हुआ? जब आप कोई पोजीशन वहां से मेजर करने लगेंगे 6 इंच वाले स्केल से, तो सपोज आपको यहां से एक एंड से स्टार्ट हो रहा है स्केल और इस पॉइंट की पोजीशन को मेजर करना है, तो इस पॉइंट की पोजीशन को मेजर करने के लिए हो सकता है कि आपको यहां पे कंफर्म हो जाए कि इतने सेंटीमीटर है, बट मिलीमीटर के जो सिंबल्स हैं वो एग्जैक्टली किसी सिंबल पे साइन पे ना पड़े, उसके मिडिल में कहीं पॉइंट पे हो सकता है। तो मान के चलिए ये आपने इससे पहले का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये 5 सेंटीमीटर के आगे अगर आपको मेजर करना है तो यहाँ पे ये 1 मिलीमीटर है और 2 मिलीमीटर, तो 1 और 2 मिलीमीटर का आपको डाउट रहेगा। तो मैक्सिमम डाउट कितने का है यहाँ पे? 1 मिलीमीटर का। तो आप जस्ट यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो पोजीशन है वो 5.1 सेंटीमीटर से 5.2 सेंटीमीटर के बीच कहीं लाई करती है, बट एग्जैक्टली क्या है वो आप नहीं बता सकते। तो एरर यहाँ पे कितने का हुआ? 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये जो अनसर्टिनिटी है, यहाँ पे जो डाउट है पोजीशन को मेजर करने में, वो कितने का है? 1 मिलीमीटर का। वो डाउट मतलब बाई मिस्टेक सेंटीमीटर वर्ड यूज हो गया, 1 मिलीमीटर का डाउट है। क्लियर हुआ? तो ये जो अनसर्टिनिटीज हैं क्वांटम में, बड़ अनसर्टिनिटी पढ़ते हैं, बट उससे पहले आप ये फेस करते आते हैं, कैलकुलेट भी करते आते हैं। जब 10th लेवल पे आपने मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन किया होगा, एवरेजेस कैलकुलेट किए होंगे, स्क्वायर के एवरेजेस कैलकुलेट किए होंगे डिफरेंट मेथड से, वहां पे भी आप रूट मीन स्क्वायर डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा जो यहाँ पे एरर बताएगा, अनसर्टेनिटी बताएगा। एरर एनालिसिस भी आप लोगों ने ग्रेशन या पीजी लेवल पे पढ़ा हो, नेट के सिलेबस में भी कुछ पार्ट एरर एनालिसिस का, वहां पे भी अनसर्टेनिटी या एरर इंक्लूड होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर आप लोग वहां पे पढ़ते हैं। तो ये एब्सोल्यूट एरर पार्ट होता है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट लेक्चर में वेव फंक्शन स्टार्ट करेंगे, वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर वेव फंक्शन में डाउट रहेगा तो हर लेवल पे डाउट आता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वेव फंक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जरूर क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होगा। जैसे ही डी ब्रॉग्ली कंसेप्ट पढ़ते हैं उसके आगे वेव फंक्शन ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वेव फंक्शन डिस्कस करेंगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर, इसमें आपने वो बताया था ना जो डी ब्रॉग्ली वेव वाला है,
हाँ जी इसमें सर आपने डी ब्रोगली वेव वाले में ये बताया था ना कोस के नोड एक्स और कोस डेल्टा एक डेल्टा के एक्स बाय टू उसका ग्राफ बनाया था। हाँ जी सर एक बार जरा वो एक्सप्लेन कर दो समझ में नहीं आया। ग्राफ बताना है? हाँ सर वो कैसे आप डिवीजन बता रहे थे ना कुछ और डिवीजन इसके अंदर लाई करेंगे सर। होता क्या है कि जैसे अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें जो इजी हो सकती हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं। ठीक है नहीं तो मैं वो प्लॉट भी करा देता। कई बार टाइम को भी ध्यान रखना होता है कि वो कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर बहुत बेसिक चीज बता रहा है, बहुत सारी चीजें आती हैं निकल के। ये देखिए मैंने यहाँ पे हिंट कर दिया था प्लॉट करने के लिए। जैसे अगर ये इंटरवल एंगल के इंटरवल 2 पाई को आप आगे कंटिन्यू करते चले जाएं तो ये वेव फॉर्म आप ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है अब यहाँ पे मैंने ये आगे ड्रॉ कर दिया बट इसी को आप यहाँ पे अगर ड्रॉ करने लगे इसी पार्ट पे कॉस डेल्टा के बाय टू एक्स तो इसका जो वेव फॉर्म आएगा एम ठीक है वो वेव फॉर्म हो सकता है कि आगे इस स्टेप तक चला जाए। रीजन भी पता होना चाहिए। मैंने आपको हिंट किया था कि के नॉट और डेल्टा के को कंपेयर करिए। डेल्टा के नॉट से स्मॉल है, जब डेल्टा के स्मॉल है तो इसका इनवर्स लार्ज बनेगा। तो यहाँ पे जो इंटरवल बनेंगे वो डेल्टा के वाले पार्ट के लिए लार्ज बनेंगे। जब लार्ज बनेंगे तो वन वेव यहाँ पे हायर मोर लार्जर डिस्टेंस पे कंप्लीट होगा वन वेव, जो पहले स्मॉल डिस्टेंस पे कंप्लीट हो रहा था। तो ये वन वेव मैंने कंप्लीट कर दिया, इसी को आगे और कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस वो वन वेव लेंथ है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा के एक्स वाला पार्ट के जो वेव लेंथ है वो पहले वाले पार्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी, जिसकी बहुत ज्यादा होगी। और पहले वाली वेव्स बहुत सारी वेव एक ही वेवलेंथ के अंदर एक ही वेवलेंथ इसी के इनसाइड में कई सारी वेव इसमें आ जाएंगी। तो ये जो एनवेलप था जो डैश लाइन मैंने शो किया यहाँ पे जो डैश लाइन मैंने शो किया है ये डैश लाइन ये डेल्टा के वाले पार्ट के लिए है और ये जो इनसाइड वाली है ये के नॉट वाले पार्ट के लिए है। क्लियर हो गया? ठीक है सर। Thank you, sir. Okay. Sir, in group velocity में सम different waves होते हैं, तो ये superposition होता है। तो सर हम वो particle की probabilities wave packet में find करते हैं। तो सर मैं सब एक single particle में different wavelength के waves associated होते हैं उसके साथ, ऐसा बोल सकते हैं? Different wavelength की wave एक साथ हैं, but उसके superposition से एक wave बना। ठीक है उस वेव की तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी ना, और एवरेज वेवलेंथ कह सकते हैं या वेव पैकेट का वेवलेंथ कह सकते हैं। आप लोगों ने ऑप्टिक्स में सुपरपोजिशन पढ़ा होगा, सुपरपोजिशन के डिफरेंट वेवलेंथ एक पर्टिकुलर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, मतलब उस पे जैसे हम लोग बोलते हैं पार्टिकल सर। हाँ जी बिल्कुल, पर उसमें जो डिफरेंस है वो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स में वेवलेंथ का डिफरेंस ऐसा नहीं कि मोर हो, स्लाइट डिफरेंस है, वेरी स्मॉल डिफरेंसेस वहां पे हैं सभी वेव्स के वेवलेंथ में। जैसे आप चेक करें लाइट में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, तो वायलेट से लेके रेड तक जो वेवलेंथ में डिफरेंस है, डिफरेंस तो है बट वो डिफरेंस मोर डिफरेंस थोड़ा ही है, क्योंकि जो वहां पे यूनिट होती है उस यूनिट में चेक करिए जो हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उनके साइज के रेस्पेक्ट में वो डिफरेंस मेजर नहीं है। ठीक है Hello? जो लोग हाँ जी
सर जो ये आपने बताया कैनोनिकल कंजुगेट पेयर्स, तो इसमें हमें हैमिल्टोनियन लिख के कैसे पता चलेगा ये कैनोनिकल कंजुगेट है? मींस पहले सिस्टम के हमें हैमिल्टोनियन लिखना पड़ेगा? जब आपको सिस्टम स्पेसिफाई करेंगे तो सिस्टम, जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं, यस सर, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ने से ही आपको हैमिल्टोनियन ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, p square by 2 m plus half m omega square x square one dimension. Yes sir. तो यहाँ पे जो position के equivalent momentum बनेगा वो px बनेगा. Okay sir. And जो हमारे known systems होंगे उनके corresponding ही. हाँ, quantum mechanics में तो आप एक reference के लिए कुछ systems पढ़ते हैं, कुछ known systems पढ़ते हैं, उनके लिए Hamiltonian का form mostly q और p के terms में आएगा. But जनरलाइज पार्ट हम पढ़ते हैं क्लासिकल में, वहां पे हैमिल्टोनियन में मोर देन वन कैनोनिकली कंजुगेट पेयर्स हो सकते हैं. जब आप कोई पार्ट अगर आपको रिकॉल हो पाए तो आप लोगों ने हैमिल्टोनियन में लाइक दिस फॉर्म लिखे होंगे, वन बाई टू एम आर स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर लाइक दिस लिखे होंगे sir. तो वहां पे r डॉट तो रेडियल वेलोसिटी बताता है, थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी में p थीटा बताता है, ऐसे p phi बताता है, वो जनरलाइज पार्ट है. तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम भी आ गया, लीनियर मोमेंटम भी आ गया, ठीक है, एंगुलर पोजीशन भी है, लीनियर पोजीशन भी है. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेज में वहां पे जितने तरह की पॉसिबिलिटी है वो लगभग वहां पे पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम के थ्रू या सिस्टम के थ्रू. वो तो जस्ट मैंने रिलेट इसलिए किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कहीं q डॉट लिख रहे हैं तो q डॉट में आपको p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, आपको एंगुलर मोमेंटम के रेस्पेक्ट में नहीं करना है. तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर पोजीशन कैनोनिकली कंजुगेट पेयर नहीं है, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन कैनोनिकली कंजुगेट बने. यस सर. ठीक है, ओके सर. जो लोग प्रेजेंट हैं, अच्छा ये बताइए, शायद आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो शायद 250 प्लस में है. मेरे फर्स्ट थ्री लेक्चर में स्ट्रेंथ 260 प्लस पहुंचा था. सर फर्स्ट लेक्चर में 265 हुआ था. हाँ, और लास्ट आज लेक्चर और लास्ट वाले लेक्चर में शायद 200 के नियर अबाउट पहुंचा है. सर कुलशन सर है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में, सर सब 200 प्लस रहती है, बस आज भी 210 थी. अच्छा, तो रीजन क्या है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है या है कि ना सुबह मॉर्निंग में तो लेते हैं क्लास बच्चे. अच्छा जी, जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे नंबर पीपल. अच्छा, वो शायद फिर वीडियो को रेफरेंस ले लेते होंगे जो रिकॉर्डेड वीडियो है. हाँ सर, ऐसा हो जाता है कई बार. सर एक प्रॉब्लम और है सर. जी सर, वीक में ना ऑफ नहीं मिलता है हमें, मतलब जैसे कोई हॉलीडे होता है वही उसी जो गवर्नमेंट हॉलीडे होता है उसी पे हमें ऑफ मिलता है. तो किसी को एक ऑफ अगर वीक में मिल जाए ना, एक ऑफ मिल जाए यस, तो अपने जरूरी काम उस दिन निकाल लें. अच्छा अच्छा, तो वैसे मैनेजमेंट से मैं बात करूंगा, पर क्योंकि अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कैसे आगे उनका फिर सिलेबस हो पाएगा या उनको समझ नहीं आएगा. नहीं, जैसे मैं तो अभी कह रहा हूँ, जैसे शायद मेरे स्टार्टिंग अगर स्टूडेंट 5 लेक्चर्स मिस कर दे तो आगे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि सर मुझे तो समझ में नहीं आएगा. तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर वो बीच से जुड़ेंगे तो उनको जैसे ही वेव फंक्शन अगर उन्होंने स्किप कर दिया तो हर लेक्चर में उनको डाउट रहना है. मे बी सर वो इसलिए गए हो कि अभी थोड़ा सा ये पार्ट है उनको आता. हाँ, वो उनको आता हो, ये भी हो सकता है, ये रीजन हो सकता है कि अभी ये बोरिंग पार्ट है इसको थोड़ा स्किप करते हैं, दो तीन लेक्चर तक चलेगा उसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे. हाँ ऐसा भी हो सकता है, बट वेव फंक्शन वाले लेक्चर को जरूर ज्वाइन कर लें, वेव फंक्शन और श्रोडिंगर इक्वेशन का जो स्टार्ट करेंगे. एक तो हॉलीडे मिलना चाहिए. हाँ वो तो मैं बात कर लूंगा, खैर मैं वो बात करूंगा. ठीक है, मैं जस्ट मेरी रीजन जानना चाह रहा था कि ऐसे लगता है कि एक ही एक चल रहा है, चल रहा है, ऐसे ब्रेक नहीं. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ना मैं जैसे ये रीजन जानना चाह रहा था कि हो सकता है कि मेरे टॉपिक का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है या मेरे पढ़ाने का वे उनको पसंद नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है, ऐसा हो सकता हो. नो सर, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी चल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स.
अच्छा ये सर अभी एग्जाम्स होने वाले हैं ना कुछ जो फाइनल ईयर के हैं जी ये तो वो उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद इस वजह से क्योंकि आप लोग मुझे शायद वैसे नहीं जानते हैं शायद जैसे फर्स्ट मेरा मतलब आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं है पहले से तो क्योंकि ऑफलाइन वाले लेक्चर में तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मेरी क्लास में होती थी ठीक है तो मैं इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ इन ऑनलाइन समझने में स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो नहीं सर समझ आ रहा है सर सबको समझ आ रहा है सर मतलब जरा स्लो पेस मतलब तभी स्लो नहीं लेकिन जरा स्लो पेस में करे तो क्योंकि कभी कभी बीच में मिस हो जाता है तो जरा कनेक्ट करने में दिक्कत हो जाती है तो मेरी स्पीड को लेके थोड़ा प्रॉब्लम बता रहे हैं हाँ मतलब स्पेस तो मतलब ज्यादा स्लो तो स्पेस नहीं कर सकते क्योंकि फिर कोर्स कंटेंट का रह जाएगा लेकिन ऐसा बोल रहे हैं समझने में दिक्कत रह जाती है इसलिए सर अभी तो ठीक है जैसे अभी टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो हमने पहले किए हुए हैं जी बट थोड़ा आगे मतलब इस वजह से ना थोड़ा सा एक्चुअल में होता क्या है कि वो मेरे कई बार हैबिट में आ गया है मुझे काफी टाइम हो गया पढ़ाते हुए ना तो मुझे तो ये मान लीजिए रिपीटिशन लगता है तो कई बार मुझे ये नहीं समझ पाता कि मैं कितना फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम पे एक स्टेटमेंट मतलब रिपीट मत करो लेकिन फिर भी अगर मतलब जरा सा मतलब जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो वो अगर एक बार रिपीट कर दो वो हो जाता मेरी बात सुनिए जैसे मुझे लगता है मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो कोई एक स्टूडेंट अपने को अनम्यूट करके बता दे सर थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिए ठीक है तो उस टाइम पे थोड़ा वो हिंट हो जाएगा मुझे तो मैं हो सकता है वहां पे फिर थोड़ा स्लो कर लूं बट वो खुद से नहीं पता हो पाता है ठीक है अब और एक बात और जब मैं कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ तो वो टॉपिक में मतलब ऑटोमेटिकली एक्सप्लेनेशन चेंज होने से मतलब एक्साइटमेंट होता है ठीक है एक्साइटमेंट होने से स्पीड बढ़ जाती है कई बार हाँ सर होता है जब हम समझने लग जाते हैं तो फिर हमारा राइट करना छूट जाता है जब हम लिखने नहीं रहते तो फिर समझना छूट जाता है मैं इसके लिए आपको एक सजेशन देता हूँ आप जिनको लिखने की प्रॉब्लम महसूस फील हो रही होगी वो मेरी एक्सप्लेनेशन नोट करना चाह रहे हैं जो नोट नहीं होगा जी जब आप स्टेटमेंट जो डिक्टेट करते हो ना सर वो हमें कई बार इम्पोर्टेंट लगती है वो जैसे हम लिख जाते हैं आप देखो वो देखो मैं जो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ वो आपके इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बताता हूँ जिससे वो लगे कि हम लेक्चर पढ़ रहे हैं नहीं तो लगेगा कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम नोट करना चाहते हैं सर बट वो तो मैं भी नोट नहीं कर सकता आप तो छोड़िए मैं भी नोट नहीं कर सकता अगर कुछ लिखने लगे वो नोट नहीं हो पाती सर जो आप डिक्टेट करते हो देखो जो मैं हाँ सर वो चीज नोट करने जाती तो हाँ तो वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है उसी से आप देखना प्रॉब्लम एग्जाम का कोई प्रॉब्लम शायद नहीं छूटेगा ठीक है जो भी ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं इस पे लिख देता हूँ जब मैं आपको उसको रिलेट करना जा रहा हूँ कहीं और पार्ट से तो समझ लीजिए वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको इजीनेस के लिए कि अगर इस तरह से नहीं थिंक कर रहे तो इस तरह से थिंक करिए आपको इजी हो जाएगा ठीक है वहां बाई चांस आप अगर नोट कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो नोट कर लीजिए बट सारा नोट नहीं होता तो उसे डिसअपॉइंट नहीं हुई है कि हमारा नोट नहीं होता तो हमें समझ में नहीं आएगा वो समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम भी हो जाएगा कोशिश करूंगा धीरे बोलने की पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सारा ही नोट कर पाओगे तो आपको हमेशा बर्डन लगता रहेगा लेक्चर नहीं सर एक्चुअली सर आप जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा चीज है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सर हमको लगता है फील ऐसे होता है कि सर आप हर एक कॉन्सेप्ट को टच करके जा रहे हैं मैथमेटिकल नहीं लग रहा है सर क्वांटम मैकेनिक्स जैसे तो, फिजिक्स पढ़ा जाता है वैसे हाँ ही लगता है तो वो ही मैं बोल रहा हूँ ना तो मैं तो ये सारी चीजें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए पढ़ा रहा हूँ अगर मैं ये ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा तो सबको लगेगा कि मैं तो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इंटरेस्ट डेवलप कहाँ होगा लेक्चर इसी को बोलते हैं लेकिन वो आपकी बात ठीक है वो लगता है ठीक है अगर मैं यही नेट ओरिएंटेड ना पढ़ा के क्लासरूम ओरिएंटेड पढ़ाऊं यूनिवर्सिटी के सिलेबस से तो मैं और ज्यादा बहुत सारी चीजें बता सकता हूं जो लेक्चर का अप्रोच है बट वो हम लोग मिस करके आते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में हम पीजी लेवल तक हम लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती यूनिवर्सिटी लेवल में सर सिर्फ सर मैथमेटिक्स से क्वांटम पढ़ते हैं सर हां जी ऐसे कोई सर ऐसे मतलब हर कोई कॉर्नर को जाके कांसेप्ट टच करके नहीं पढ़ाते तो कोशिश करिए जो जरूरत की चीजें मैं लिख देता हूँ फिर भी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड थोड़ा स्लो करने की और जब आप लोगों को लगे तो कोई भी एक स्टूडेंट हिंट कर दिया करे कि सर थोड़ा स्पीड कंट्रोल कर लीजिए तो कंट्रोल हो जाएगी उस टाइम पे सर
ओके सर। सर हाँ जी, आपसे एक और रिक्वेस्ट है जी, बताइए। मैनेजमेंट को ये बोल दीजिए कि एटलीस्ट संडे को एक दिन को ऑफ हो, तो वीक संडे तो नहीं होगा, देखो संडे का प्रॉमिस नहीं करते क्योंकि ऐसा होता है में कोई भी दिन हो। हाँ तो मैं वो बात कर, मैं आज बात करता हूँ उनसे, तो पूछ लेते हैं कि एक वीक एक मतलब ऑफ कर दिया करेंगे, ठीक है? बट वो होगा होगा रैंडम, अगर वीक में एक ऑफ हो जाएगा तो हम अपना वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे और ठीक है। हाँ जी, पर वो एक बात और, वो एक दिन पहले ही पता चलेगा आपको, पहले से श्योर नहीं रहेगा कि इस दिन ऑफ होना है। हाँ जी सर, हाँ जी, क्योंकि सर वीकली एक दिन छुट्टी नहीं मिलेगा ना, फिर सर जो यूनिवर्सिटी का देखो सर सब बच्चे सर फर्स्ट ईयर, कोई सर बच्चे फर्स्ट ईयर के भी हैं सर यहाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सर डिफिकल्टी होता है सर यूनिवर्सिटी का सिलेबस। हाँ जी, वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, पर मेरी बात समझिए, मैनेजमेंट का थोड़ा एक पॉइंट थिंक करिए कि जो टीचर्स है ना, जो पढ़ाने वाले टीचर्स है, वो कई बार लगता है कि वो 4 डेज के लिए 3 डेज के लिए फ्री है, बाकी डेज में फिर वो बिजी हो जाएंगे, तो उनको मैक्सिमम यूज करने की वजह से भी वो लेक्चर को रख देते हैं, तो पहले से ये डिसाइड नहीं होगा कि किस दिन ऑफ रखना है, ये प्रॉब्लम है। सर सर एक दिन कोई किस दिन लेक्चर फॉर्म रख देंगे सर, हर दिन सर 3 दिन लेक्चर देते हैं। वो तो बात कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, वो बात कर लूंगा, पर मेरी स्टेटमेंट समझिए कि ये फिक्स नहीं होगा कि ट्यूजडे ही ऑफ होना है या सैटरडे ही ऑफ होना, ऐसा फिक्स नहीं होगा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी दिन का ऑफ हो जाएगा। हाँ मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी दिन 7 डेज पे ऑफ हो गया, किसी दिन 8 डेज पे ऑफ हो गया या 9 पे हो गया, ऐसा हो सकता है। सर कोई ऑफ ही नहीं हुआ अभी तो मैं बोल देता हूँ उनको, बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ, ठीक है जी। मेरा शायद मेरी तरफ से शायद वेडनेसडे और थर्सडे मेरा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है सर। हाँ जी सर, एक डाउट था, आपने जो बताया सर कैनोनिकली कंजुगेट डायनेमिक वेरिएबल पेयर, जी जी जी, तो मान लीजिए सर हमें कोई भी पेयर दे दिया तो कैसे पॉइजन ब्रैकेट से चेक कर लेंगे कि वो भी आगे सिलेबस पढ़ेंगे, हम क्वांटम मैकेनिक्स में पॉइजन ब्रैकेट की बात ही नहीं कर रहे, हम कम्यूटेटर ब्रैकेट पे जाके बताएंगे। तो सर वहां से चेक कर हो जाएगा कि ये बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो तब हम जाकर किसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी देखो हम पहले जिस ऑर्डर में बुक में लिखा होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो ऑर्डर थोड़ा मेंटेन रहे, बट क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए, ऑपरेटर पता होना चाहिए। यस सर, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ऑपरेटर के कम्यूटेटर ब्रैकेट से रिलेटेड होता है। जब कम्यूटेटर ब्रैकेट का फिजिकल मीनिंग आगे पढ़ेंगे तो दोनों आपको रिलेट लगेंगे, कॉम्यूट करेगा तो कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, कॉम्यूट नहीं करेगा कम्यूटेटर ब्रैकेट नॉन जीरो, देन कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। ओके ठीक है, थैंक यू सर। सारे ऑपरेटर्स बताए जाएंगे ना आगे हमें जो भी यूज होने वाले हैं, जैसे हाँ जी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बताएंगे, ठीक है, बाकी जो लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी एनर्जी ऑपरेटर तो आपके हैबिट में है, पहले से पढ़ते आए होंगे, पढ़ के आए नहीं, पी को आप माइनस आई एच क्रॉस डेल पढ़ते हैं पोजीशन स्पेस में, एक्चुअली बड़ी काफी टाइम हो गया सर ना, वो रिकॉल करने के लिए तो सब पार्ट बताया जाता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी वो बताया जाए, तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ, बाकी आप लोगों का जो आपने लोगों ने बताया वो मैं मैनेजमेंट से एक बार बात कर लेता हूँ आज शाम में, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी सर, वो सर लिखने में ही रह जाते हैं सर कई बार, तो ये ऐसा लगता है सर। अच्छा हाँ सर, तो ऐसा करा करिए ना, जैसे सुनिए हाँ। मेरी बात सुनिए, मैं इनका सॉल्यूशन बता देता हूँ, जैसे आपका कोई फ्रेंड हो हाँ सर इसी क्लासरूम में हाँ सर, तो दोनों आप एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया करिए। ओके सर, नहीं समझे, जैसे कुछ आपका छूटा होगा तो दूसरे का जरूर नहीं कि छूटा हो। हाँ ये है। अगर सर ऐप पे नोट साथ है बाकी है फिर से बताइए। हाँ जी, बाकी सब्जेक्ट में मतलब मैथ्स के जिसके नोट्स आते हैं तो वो वैसे अपलोड हो गए क्वांटम के, तो जो छूटा है वो हम लिख सकेंगे। मैं एक बार बात कर लेता हूँ उनसे, वैसे वो शायद वीडियोस को शायद 1 or 2 times देखने के लिए अलाउ किए हैं, जैसे किसी का छूटा तो वो वीडियो देख कर फिर से कर सकते हैं शायद। बाकी उसके उसने क्या होता है वीडियो देखने में ज्यादा टाइम लगता है छूटने का देखने के लिए। चलो मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूं, जैसा वो सजेस्ट करते हैं फिर बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। ओके थैंक यू सर। हां जी
जो आपने अभी ये बताया, इसमें ना आपने ये बताया जो क्लासिकल मैकेनिक्स में माइक्रो और मैक्रो का जो साइज बताया, वो वाली स्लाइड निकालना एक बार। देखो अगर ये सब किसी को जैसे बताते हुए यहाँ पे क्लियर नहीं होता है तो आगे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आएंगे ना, तो वहां पे और वो क्लियर हो जाएंगे। जो एग्जांपल बताया, हाँ मैं बता देता हूँ, वो निकाल लो। ये पार्ट, हाँ सर, ये ऊपर राइट साइड में सर, इसमें जो ये दोनों है क्लासिकल में के अकॉर्डिंग ही लिखे हैं। नहीं, मैं आप जैसे ये बताया कि जैसे हम लोग ये पढ़ते आते हैं बुक में, हम लोगों को ये सिखाया जाता है, टीचर ने आप लोगों को ये सिखाया होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है। आप लोगों को ये सिखाया गया होगा कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे क्लासिकल लगता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे क्वांटम मैकेनिक्स लगता है, ठीक है। बट अगर हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे हम क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करने लगे तो डी ब्रोगली वेव डिटेक्ट नहीं होगा, एक तो मैंने ये बताया। दूसरा, अगर वो वेव नेचर हमने अज्यूम कर भी लिया तो उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगा साइज के रेस्पेक्ट में बहुत कम आएगा, जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में उसके ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड नहीं होगा, ये बताया। माइक्रोस्कोपिक में भी मैक्रो के लिए, माइक्रो के लिए ऑब्जर्व हो जाएगा जब हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करेंगे, और माइक्रोस्कोप माइक्रो के लिए क्लासिकली तो एग्जैक्ट पोजीशंस आएंगी बट उनको देख थोड़ी सकते हो। हाँ सर, वही नहीं देख सकते ना, तो माइक्रो लेवल पे तो क्लासिकल मैकेनिक्स फेलियर्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स के तो सक्सेसफुल थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स है। ओके सर, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी सर, एक इन जनरल एक बात पूछनी थी सर, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व, हमारे इंटरडिसिप्लिनरी हमारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, तो सर हमें सारे फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत है? फिर से बताइए, बीच में आवाज कट गई थी, इंटरडिसिप्लिनरी से पहले का और बाद का थोड़ा कट गया था, बताइए। हाँ सर, हम जैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं जी, सर हमें क्या सारे जितने भी हमारे फॉर्मूले थे वो सबको रिमाइंड करने की जरूरत है सारे टॉपिक्स के? फॉर्मूले सारे टॉपिक्स के आप ये पूछ रहे हैं, जैसे ईएमटी का कहीं कंसेप्ट यूज हो गया, क्लासिकल का कहीं यूज हो गया, तो वो हमें रिवाइज होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं? रिप्लाई नहीं है। हाँ जी, यस सर। देखो जो बेसिक चीजें हैं जिनको टीचर ये अज्यूम करता है कि आपको पता होगा, रिलेट हम वहीं करते हैं। जैसे मैंने लीस्ट काउंट का हिंट किया कि आपको पता होगा, इसलिए मैंने अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट से रिलेट कर दिया। बाकी इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स में जो एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होगा, या तो उसको बहुत कम टाइम में आप ड्राइव कर लें, या आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। जो फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो फॉर्मूला आपको फिर पता ही होना चाहिए। ओके सर, तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ।